गुड इवनिंग एवरीवन. लास्ट में गुड इवनिंग एवरीवन. बड़े एक्साइटेड रहते हो, पता नहीं कितनी कॉलेज की कौन सी गॉसिप लेके आते हो, एक दूसरे को सुना रहे होते हो. मॉर्निंग वाले सही है, एक ही गॉसिप है, एक ही एकेडमी की गॉसिप है, सारे दिन यही बड़े रहते हैं. तुम्हारे पास अपने अपने कॉलेजेस की गॉसिप होती है बताने की एक दूसरे के लिए. बढ़िया. चलो लास्ट चैप्टर हमारा बीसी के रह गया, चैप्टर नंबर सिक्स. अभी तक के सारे चैप्टर्स में सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर स्टडिंग सम बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. बिजनेस के अंदर यूज होने वाली काफी सारी टर्मिनोलॉजीज को एक साथ क्लब करके यहां पढ़ा दिया गया है. जो यहां पर ना सबसे बड़ी बात यह है कि आपने लगभग 150-200 टर्मिनोलॉजीज लिख दी है हमारे सिलेबस में, जो जिसमें से कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए नए होंगे. इन टर्म्स को हमारे चैप्टर ने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले दे रखी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, फिर दे रखी है बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, थर्ड दे रखी है मार्केटिंग से रिलेटेड, और लास्ट में जो उनको कहीं पे भी समझ नहीं आई उन्होंने डाल दिया अदर टर्मिनोलॉजीज. मगर खास बात यह है कि टर्मिनोलॉजीज को कैटेगरी में तो डाल दिया, जिस सीक्वेंस में टर्मिनोलॉजीज दे रखी है ना, उस सीक्वेंस में कुछ भी आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा. एक वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है उसका पिछले वर्ड से कुछ लेना देना नहीं है. क्यों, इन्होंने सिंपल किया, इन्होंने अपना जो भी वर्ड्स देने थे उसके ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाया. हर पॉइंट के अंदर ना अल्फाबेटिकली आपको टर्मिनोलॉजी लिखी दिखेंगी. तो हमें यहां पे पढ़ना कैसे है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड है पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के अंदर समझने के बाद मैं आपको वो तीन चार वर्ड्स बता दूंगा जो उस कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहे हैं. अकॉर्डिंगली हम बुक में वो तीन चार वर्ड्स कवर अप कर लेंगे. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये कंपैरेटिवली हम सबके लिए इजी है. हम सबने काफी सारे वर्ड्स बैंकिंग के पढ़ रखे हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें आगे कवर अप करने हैं. आज वाली क्लास में हम बैंकिंग कवर करेंगे, देन वी प्रोसीड टू अदर टर्मिनोलॉजीज. सबसे पहले बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में से कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो एंटायरली बहुत ही सिंपल है. जैसे कि अगर आप टर्मिनोलॉजी में देखोगे ना, इन्होंने इंटरेस्ट का भी मतलब समझा रखा है. और तो अब इंटरेस्ट क्या होता है ये सारी चीजें मैं इतनी उसमें नहीं जा रहा. सबसे पहले मैं उन लिमिटेड 12-15 वर्ड्स हैं जो समझाने हैं मुझे, पहले मैं उन 15 वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूं जो हमारे लिए रेलेवेंट है. एक बार वो करेंगे तो फिर लास्ट में क्लास के हम एक बार सारे वर्ड्स रीड कर लेंगे कि कोई ऐसा वर्ड छूट तो नहीं गया जो हमें जिसका मतलब नहीं पता. सबसे पहले बैंक्स, आप सबको पता दो काम में इन्वॉल्व होते हैं, एक तरफ वो आपसे डिपॉजिट्स लेते हैं और दूसरा काम क्या होता है उनको, वो आपको लोन देते हैं. जब वो आपको लोन देते हैं तो फिर लोन का अमाउंट आपसे वापस नहीं लेते, उससे ओवर एंड अबव कुछ लेते हैं जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट अगर कोई हमसे पूछे क्या होता है, इट इज द एक्स्ट्रा पेमेंट दैट यू मेक टू द बैंक, और बदले में बैंक क्या दी, बैंक ने क्या दिया, बैंक हैज गिवन यू अ फैसिलिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन आफ्टर सम टाइम. बैंक ने आपको टाइम वैल्यू दी, कुछ समय के बाद पैसा देने का ऑप्शन दिया, जिसके लिए कंसिडरेशन के रूप में आपने बैंक को क्या दिया, इंटरेस्ट. आप सबको पता होगा इंटरेस्ट दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. मैथ्स में वो चैप्टर पढ़ लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है पढ़ना है अभी, आधोने पढ़ लिया, आधोने पढ़ना है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो कौन सा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. जिनको नहीं पता मैं सिंपल बता देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट में आपने जो पैसा बोरो किया यानी कि प्रिंसिपल, उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है. जबकि कंपाउंड में क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट लग चुका है, जो अक्रू हो चुका है बट जो आपने पे नहीं किया वो भी प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और इंटरेस्ट में भी क्या लगता है, इंटरेस्ट. सिंपल सी बात है, मैंने 1,00,000 रुपए का लोन लिया आपसे, मुझे आपका 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था, मैं फॉर सम रीजन इंटरेस्ट आपको नहीं दे पाया, तो अगली बार जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 1,00,000 पे नहीं लगेगा, 1,10,000 पे लगेगा. दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट. तो अब ये वाली चीज तो सिंपल है, मुझे ये समझाना है कि जब आप लोन लेते हो बैंक से, बैंक्स टिपिकली आपको दो अरेंजमेंट्स में लोन देते हैं. एक होता है फिक्स्ड रेट स्ट्रक्चर, वन इज कॉल्ड फिक्स्ड रेट स्ट्रक्चर, सेकंड इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट स्ट्रक्चर या फिर फ्लक्चुएटिंग रेट स्ट्रक्चर. मतलब क्या है, हमने कुछ लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था आरबीआई के बारे में, बिजनेस फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. आरबीआई में हमने समझा था जब आरबीआई को एग्रीगेट डिमांड को चेंज करना होता है इकोनॉमी के अंदर, जब मनी सप्लाई को ऊपर या नीचे करना होता है तो आरबीआई का क्या करता है, रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा देता है. जिससे हमने पढ़ा था फंड्स महंगे हो जाते हैं, फंड्स महंगे हो जाते हैं तो लोन आगे महंगे हो जाते हैं और लोगों के पास मनी सप्लाई कम चली जाती है. पर मुझे सोच के बताओ, अगर आरबीआई ने बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ाया
उससे नए लोन्स पे असर पड़ेगा या एग्जिस्टिंग लोन्स पे भी असर पड़ेगा? यानी आप सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन लेने वाले हो, आप एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हो, अगर बैंक रेट बढ़ा उससे नो डाउट बैंक्स अपना लोन का रेट बढ़ा देंगे, बट क्या एग्जिस्टिंग लोन्स पे भी वो रेट बढ़ जाएगा? द आंसर इज इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? आपका लोन फिक्स्ड रेट स्ट्रक्चर में है या फिर किसमें है? फ्लोटिंग रेट स्ट्रक्चर में। फ्लोटिंग रेट स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपका इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम बदलता रहेगा। जैसे जैसे बैंक अपना रेट बदलता रहेगा, ना सिर्फ नए लोन्स पे, पुराने लोन्स पे भी वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जबकि फिक्स रेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट में जो मर्जी होता रहे, आपका रेट मैंने पहले डिफाइन कर दिया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। नाउ वट एवर द डिसीजन ऑफ आरबीआई इज फॉर टुमारो, मेरे फंड्स महंगे हो रहे हैं, एज अ बैंक मेरे फंड्स महंगे हो रहे हैं या सस्ते हो रहे हैं, रेपो रेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मैं अपने डिपॉजिट्स पे कम रेट दे रहा हूं या ज्यादा दे रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स, आपको मैंने लोन कितने में दिया है? 10% पे। यानी आपके दिमाग में ऑब्लिगेशन फिक्स हो गई है। आप सबको पता, स्टार्टिंग में एक ईएमआई का शेड्यूल दे दिया जाता है आपको, आपने एक गाड़ी ली, उस गाड़ी के ऊपर लोन लिया, लोन में आपको बता दिया गया हर मंथ आपकी ईएमआई फिक्स्ड है 15,000 रुपए, क्योंकि हमने ये कैसे बनाई है, 10% के हिसाब से। अब इकोनॉमी में जो मर्जी होता रहे, आपकी क्या फिक्स रहेगी ईएमआई? 15,000 रुपए। फ्लोटिंग में ना आपको रेट नहीं बताया जाता, फ्लोटिंग में आपको रेट निकालने का एक फॉर्मूला दिया जाता है। उस फॉर्मूले को जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बैंक कहते हैं MCLR प्लस 1% या 2% या 3% या 4% या 5% जो भी हो, इसमें आपको बोला जाता है हम आपको लोन दे रहे हैं MCLR प्लस 5% के ऊपर। अब पहले तो ये समझना, व्हाट इज दिस MCLR? MCLR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। वो लेंडिंग रेट जो किसके ऊपर बेस्ड है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। बड़े सोच समझ के मुझे बताना है, बैंक जो आपको लोन देते हैं पीछे से बैंक्स भी तो वो फंड्स उठाते होंगे। व्हाट आर द टू मेन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दे गिव यू लोन्स? पहला डिपॉजिट्स, बैंक आप लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं, यानी और जनता से ही लेते हैं और उसी का बेसिस बनाते हैं। जो आप बैंक को डिपॉजिट देते हो, या तो वो करंट डिपॉजिट होता है, सेविंग होता है, या टर्म डिपॉजिट होता है, हर किसी का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मेनली बैंक करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स को अपना मेन सोर्स मानते हैं। आज की रेट में सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? लगभग 4-5% के आसपास चल रहा है। कुछ बैंक 6-7% में दे रहे हैं, बट ऑनलाइन एवरेज कितना चल रहा है? 4-5% चल रहा है। अच्छा, अब बैंक के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में सबसे पहली चीज क्या आ गई? जिस रेट पे वो डिपॉजिट उठा रहा है, क्योंकि मिनिमम लोन वो आपको कितने में देगा? 5% में देगा। 5% तो वो डिपॉजिटर्स को दे रहा है, तो आपसे भी तो 5 लेगा। दूसरा मेन सोर्स होता है आरबीआई से बोरोइंग करना। आरबीआई के पैसे लेने के दो मेन के तरीके क्या है? रेपो और बैंक रेट। बैंक रेट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था, खत्म हो गई है, मगर आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बैंक रेट को भी कंसिडर कर रहा हूं। रेपो का रेट भी कितना चल रहा है आज की रेट में? अगेन 4-5%। यानी एक बात बताओ, जो बेसिक रेट पड़ रहा है बैंक्स को, वो तो कितना पड़ रहा है? 4-5%। क्या बैंक आपको 4-5% को अपनी MCLR मान ले? क्या MCLR, क्या बैंक अपना 4-5% जो भी डिपॉजिट का रेट है या जो भी बैंक रेट और रेपो रेट है उसी को अपना MCLR मान ले? द आंसर इज नो। वाई नो? देखो, वो तो फंड्स का पैसा, फंड्स उठाने का कॉस्ट है ना। बैंक्स अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, हजारों एम्प्लॉइज मेंटेन कर रहे हैं, इतनी सारी ओवरहेड्स कॉस्ट करते हैं, उन सबको भी तो रिकवर करना है बैंक को, क्योंकि बैंक के लिए तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? यही लोन पे चार्ज किया जाने वाला इंटरेस्ट। सो बैंक्स क्या करते हैं, MCLR को निकालते समय दो चीजों को देखते हैं। पहली चीज देखते हैं वो डिपॉजिट्स जो उनको मिले हैं, उन डिपॉजिट्स के ऊपर रेट बैंक रेट या फिर रेपो रेट। ये तो हो गया बैंक्स के लिए प्राइमरी सोर्सेज। साथ साथ वो इसके अंदर अपनी ओवरहेड कॉस्ट को जोड़ देते हैं, और ओवरहेड कॉस्ट मतलब वो सारे खर्चे जो बैंक्स को रिकवर करने हैं बाय डूइंग बिजनेस। इन सब को डालने के बाद बैंक को पता लगती है ये मेरी कॉस्ट है। यानी आज अगर मुझे पैसा देना है, उस पैसे को देने के लिए मुझे पैसा रेज करना पड़ेगा। रेज करने के अंदर मेरी जो कॉस्ट होगी, जो मार्जिनल कॉस्ट होगी मेरी, उसके अंदर डिपॉजिट रेट होगा और साथ साथ क्या होगा? ओवरहेड कॉस्ट। अगर आज मार्केट में डिपॉजिट रेट्स 4-5% चल रहे हैं, तो बैंक्स का MCLR लगभग 8-10% के बीच में होगा, क्योंकि बैंक सारे क्या करेंगे, अपनी ओवरहेड कॉस्ट को भी उसमें एड कर देंगे। नाउ लेट अस सपोज बैंक की MCLR निकल के आई 8%। अब बैंक कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा,
कि अपनी कॉस्ट जितनी बन रही है उतनी की उतनी रिकवर करें। बैंक को प्रॉफिट भी चाहिए, तो बैंक क्या करता है, आपको जो लोन देता है वो 8% पे नहीं देता, किस पे देता है, 8+1+2+3+4+5। इसे तो बोल दिया MCLR, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड ओवर MCLR, इसे बोलते हैं स्प्रेड ओवर MCLR। स्प्रेड ओवर MCLR मतलब MCLR के ओवर एंड अबव कितना रेट मैं ऐड कर रहा हूं आपको पैसे देने के लिए। अब मैंने आपको बोला कुछ केसेस में 1% ऐड होगा, कुछ में 5 होगा। किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि मैं, मेरे को लोन MCLR प्लस 1 पे मिल रहा है या MCLR प्लस 5 पे मिल रहा है या MCLR प्लस 8 पे मिल रहा है, व्हाट इज दैट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दिस स्प्रेड विल बी डिसाइडेड। मेन चीज क्या है, क्रेडिट वर्थिनेस। आप जब भी आप लोन लेने जाते हो ना तो आपका रिस्क एक डिटरमिन किया जाता है। ये रिस्क कैसे होता है, एक क्रेडिट रेटिंग होती है, कभी आपने सुना सिबिल स्कोर, कभी किसी वेबसाइट में घूम रहे हो रात में कहा जाता है नो योर सिबिल स्कोर। ये सिबिल कौन है, सिबिल एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, सिबिल इज ओनली अ कंपनी। इसके अलावा केयर नाम की भी एक कंपनी है, ठीक है, हाँ क्राइसिल भी एक कंपनी है। ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्या करती है, ये आपके ना सारे ट्रैक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन रखती है। आपने लेट से अगर पीएनबी से लोन लिया और आपने पीएनबी को पैसे नहीं दिए तो पीएनबी इस चीज की इंफॉर्मेशन रेटिंग एजेंसी को दे देगा, आपके नाम और पैन के अगेंस्ट वो सारा डेटा एग्रीगेट कर चुके हैं, हर बैंक से इनका टाई अप होता है। कल को जब आप एक नया लोन लेने जाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहली चीज आपको ये बोलेगा अपनी क्रेडिट रेटिंग लेके आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे देखूंगा तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या डिसाइड होगा तुम्हारा इंटरेस्ट रेट। तो जो लोग क्रेडिट वर्थिनेस में ज्यादा होते हैं उनका स्प्रेड कम होता है, उनका रिस्क, इसे रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, उनका रिस्क प्रीमियम कम होता है। ये तो आपके डिसाइड, उस पर डिसाइड होगा। मगर अगर आप इस ओवरऑल पैकेज को देखो ना, ये पैकेज में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेट से मेरे को हाईएस्ट कैटेगरी में रखा 5%, 8+5 कितना हो गया 13%। मगर कल को अगर आरबीआई ने कोई स्टेप लिया बैंक रेट और उसको चेंज किया रेपो को, तो उससे चेंज किसमें आएगा, MCLR में, और MCLR में चेंज आते ही मेरा लोन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कल तक मेरी ईएमआई 15,000 रुपए जा रही थी, अब पता चलेगा कि मेरी ईएमआई 16,500 जाने लग गई है, या उल्टा भी हो सकता है, मेरी ईएमआई 13,500 में हो सकती है। सो दो तरह के लोन हो गए, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के बताना है, आरबीआई या बैंकिंग इंडस्ट्री क्या चाहेगी, लोन फिक्स रेट हो या फ्लोटिंग रेट हो, फ्लोटिंग। क्यों, आरबीआई ना देखो अगर कुछ चेंज ला सकती है मार्केट के अंदर तो वो ओनली बाय ऑल्टरिंग द सप्लाई ऑफ मनी कर सकती है। अगर आप सारे फिक्स रेट वाले हुए, आरबीआई अगर रेट ऊपर नीचे भी करेगा, क्या एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के ऊपर कोई भी फर्क पड़ेगा, नो। सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ना इस बात पे डिपेंडेंट है कि आपके एग्जिस्टिंग लोन्स पे असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, इसलिए आरबीआई तो क्या करेगा, फ्लोटिंग रेट प्रमोट करेगा। एज अ बोरोवर आप क्या चाहते हो, फिक्स या फ्लोटिंग, मेनली बोरोवर क्या चाहेगा, फिक्स, क्योंकि बोरोवर को चाहिए सर्टेनिटी, भाई मैंने दिमाग में फिक्स कर लिया 15,000 की ईएमआई है, नो डाउट फ्लोटिंग में चांस है कि 13,500 हो सकती है, मगर यह भी चांस है कि 18,000 हो सकती है, तो हमेशा वो क्या चाहेगा, फिक्स रेट। अब आरबीआई फिक्स, आरबीआई फ्लोटिंग को एनकरेज कर रही है, आप फिक्स कर रहे हो, बैंक आपको कह रहा है ऐसा करो फ्लोटिंग रेट ले लो, आप कह रहे हो ना 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 मुझे डर लगता है। आपको कन्विंस करने के लिए बैंक अलग अलग तरह की स्कीम्स लाता है, कन्विंस किस चीज के लिए करने के लिए, ताकि आप फ्लोटिंग जगह किसमें मान जाओ, फिक्स में। पहला मेथड जो आपको एनकरेज करने के लिए, आप फ्लोटिंग की जगह फिक्स, सॉरी फिक्स की जगह फ्लोटिंग में आ जाओ, पहला वो मेथड जिससे बैंक आपको फ्लोटिंग की तरफ एनकरेज करता है वो है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड शायद वर्ड आपने अलग अलग सुना होगा, लॉक इन पीरियड का मतलब अलग अलग जगह अलग होता है। यहां पर क्या लग रहा है, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होगा, लॉक इन पीरियड मतलब वो कौन सा पीरियड, कुछ टाइम तक हम क्या करेंगे आपके रेट को फिक्स कर देंगे, उस पीरियड के बाद आपका रेट क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। मैंने लॉक इन पीरियड 2 years फिक्स कर दिया, तो दैट मींस अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी फिक्स्ड एंड आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यू टू बी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। अगली चीज, आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा लगता है मैं तो एक इंडिविजुअल बोरोवर हूं जिसके पास दुनिया में करने के लिए और बहुत कुछ है, मगर ये तो बैंक है, बैंक का तो सारा दिन ही क्या है काम, इंटरेस्ट रेट मार्केट को, अलग अलग इकोनॉमीज को ट्रैक करते रहना। तो कई बार डिपॉजिटर्स को लगता है अगर बैंक मुझे 2 साल का लॉक इन पीरियड दे रहा है ना, ऐसा हो सकता है बैंक इसमें अपना फायदा देख रहा हो, आपको शक हो रहा है मेरे पे, शक क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है शायद 2 साल बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तभी ये जान के क्या कर रहा है, 2 साल तक तो फिक्स कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, आप अभी भी डरे हुए हो।
लॉक इन पीरियड देने के बाद भी आपका डर खत्म नहीं हुआ। अब आपका डर खत्म करने के लिए मैंने एक और चीज निकाली जिसका नाम है कैप। गेस करना है कैप का मतलब क्या होगा। हमने एक फिक्स रख दी कैप, कैप मतलब सीलिंग फिक्स कर दी। अगर फ्लक्चुएटिंग भी होगा तो वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इस रेट तक जाएगा। मान लो एट प्रेजेंट मैंने आपके साथ 10% डिसाइड किया, जैसे ही फ्लक्चुएटिंग हुआ पहले एमसीएलआर चेंज होने पे 11 हुआ फिर 12 हुआ, मगर मैंने आपके एग्रीमेंट में लिख रखा है, कैप लगा रखी है कि मैक्सिमम कितना होगा आपका रेट 13। जैसे ही 13 को फ्लक्चुएटिंग रेट टच करेगा, फ्लक्चुएटिंग रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहां पर आपकी बुक में कौन कौन से टर्म्स हैं, एमसीएलआर आपके बुक में नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान बांटा है मैंने समझाने के लिए। वैसे आपकी बुक में ये दोनों टर्म्स हैं, लॉक इन पीरियड और कैप। आ जाओ बुक में एक बार। हाँ जी, क्या फिक्स करे, एक्सटर्नल बेंचमार्क, उसके बेसिस पे भी होगा कि जो डिपॉजिटर्स की जो ईएमआई वगैरह है वो अब बैंक से लिंक नहीं है, वो डायरेक्ट आरबीआई से, आरबीआई कम करेगी तो उनकी ईएमआई भी कम होगी। मैं एक बार देख लूंगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे देश में काफी समय से बैंक्स को ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकती हैं, मगर इन इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए पीछे से बैंक्स आरबीआई के फंडामेंटल्स को ट्रैक करती हैं। जैसे अगर आरबीआई के रेपो रेट में है ना, वो अपने एमसीएलआर को रेपो पे डिपेंडेंट रखती हैं। अब उस न्यूज में ऐसा क्या था वो मैं चेक करूंगा। आरबीआई पूरा कंट्रोल नहीं ले सकता, आरबीआई सिर्फ एक यार्डस्टिक सेट कर सकता है जिससे बैंक्स अपने एमसीएलआर को फिक्स कर सके। आरबीआई आपके कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स को डिक्टेट नहीं कर सकता। समझे कैसे, पीएनबी आपको सेविंग्स में 3% 3.5% देता है, यस बैंक 7% देता है। क्या यस बैंक और पीएनबी का एमसीएलआर सेम होगा, नहीं होगा कभी भी। पीएनबी के पास सेविंग डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है, यस बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट ज्यादा है। फिक्स डिपॉजिट पे पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, एमसीएलआर यस बैंक का अलग हुआ, पीएनबी का अलग हुआ। तो ये जो एमसीएलआर है ना, ये आरबीआई डिक्टेट नहीं कर सकता। उस न्यूज में क्या है एक बार मैं सर्च कर लूंगा। चलो मैं एक बार पढ़ लूंगा, अगर आपके पास हो तो मुझे भेज देना, ठीक है। पेज नंबर 10, मैं आपको बीच बीच में से पढ़ाऊंगा लॉक इन पीरियड। हाँ, पेज नंबर 107 पे आओ। सबसे पहले क्या दे रखा है, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या हुआ, अ गारंटी गिवन बाय द लेंडर दैट देयर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मोर्टगेज रेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम व्हिच इज कॉल्ड द लॉक इन पीरियड। सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो तो पेज के ऊपर लिख लो, It is the period during which interest rates will be fixed. Interest rates will be fixed, and after this period, they will become fluctuating. After this period, they will become fluctuating. दूसरा वर्ड जो हमें पढ़ना है वो आपको दे रखा है पेज नंबर 105 पे। दूसरा वर्ड है कैप, 105 पेज पे। हाँ, 105 कैप। अ कैप इज अ लिमिट दैट रेगुलेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एन एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज। एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज का मतलब क्या हुआ, फ्लक्चुएटिंग रेट। ये वो रेगुलेट करता है कि इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा, कितना हो सकता है। एक लेवल से नीचे भी नहीं गिरने देगा, एक लेवल से ऊपर भी नहीं जाने देगा। दो वर्ड्स हमने कवर अप कर लिया, मतलब वो लोअर में भी रख देता है। बैंक भी तो अपनी सेफ्टी के लिए रखेगा ना, तो बैंक क्या करता है, एक सेट कर देता है अपर मार्जिन और लोअर मार्जिन, उसी के बीच में फ्लक्चुएट होगा, उससे नीचे और उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट वर्ड्स जो हमने पढ़ने हैं पेज नंबर 106 पे, तीन वर्ड्स हैं, लगातार तीन वर्ड दे रखे हैं। एक है डेट रिकवरी, एक है डेट पेमेंट, एक है डेट सेटलमेंट। तीन वर्ड आपको एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है। पहले मैं एक एक करके समझाता हूं, यार बीच में बात मत करो। एक है डेट रिकवरी, सॉरी पहले वर्ड लिखते हैं डेट रीपेमेंट, दूसरा वर्ड है डेट रिकवरी, तीसरा है डेट सेटलमेंट। तीनों एक जैसे से वर्ड लग रहे हैं मगर तीनों में फर्क है। सबसे पहले डेट रीपेमेंट, डेट रीपेमेंट का मतलब क्या है, आपने जो भी बैंक से पैसा लिया है, डेट लिया है, उसकी ड्यू डेट पर, उसकी मैच्योरिटी डेट पर आपने पैसा दे दिया, एज सिंपल एज दैट।
अगर आपका पैसा ईएमआई ड्यू हुई, आपने चुपचाप पैसे दे दिए, दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट ऑफ दी डेट। पूरी डेट की रीपेमेंट तब मानी जाती है जब आप डेट में सारे कंपोनेंट जो भी इंक्लूडेड है वो सारे पे कर दो। सर सारे पेमेंट का मतलब सर प्रिंसिपल के अलावा क्या होगा? कई बार आपकी डेट के अंदर अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल जो भी चार्जेस थे, लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस थे, कोई अनपेड इंटरेस्ट था, वो भी प्रिंसिपल में ऐड करते जाते हैं। सो डेट रीपेमेंट तब मानी जाती है जब उस लोन से रिलेटेड हर चीज पे हो गई है। हर चीज मतलब इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी पे हो गई हैं। ये तो बड़ा सिंपल है। आगे आता है अगर पेमेंट ना करो तो क्या होगा? जब पैसा देने की बारी आई, मैंने पैसा देने से मना कर दिया तो क्या होगा? वहां पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बैंक्स के पास डेट रिकवरी, दूसरा ऑप्शन है डेट सेटलमेंट। डेट रिकवरी नाम से पता लग रहा है, डेट रिकवरी का मतलब क्या होगा? बैंक क्या करेंगे? पैसे रिकवर करेंगे। कैसे रिकवर करेंगे? पुराने जमाने में क्या होता था, बैंक्स के पास एक एजेंट हुआ करता था जिसका नाम होता था रिकवरी एजेंट। अब रिकवरी एजेंट कौन होते थे? रिकवरी एजेंट बेसिकली इट्स अ वेरी फैंसी नेम गिवन टू गुंडाज। ये रिकवरी एजेंट कोई शरीफ लोग नहीं होते थे कि टाई पहन के आपके घर आएंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे। वो टिपिकली आप जैसे मूवीज में देखते हो कि अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे रहे तो उसको धमकाने आ रहे हैं बैंक वाले, ये रिकवरी एजेंट्स होते हैं। ये ना बैंक के एम्प्लॉइज नहीं होते, बैंक जान के इनको क्या कर रखता था? एजेंट के रूप में रखता था, क्योंकि अल्टीमेट एम तो यही है कि धमका के पैसे ले लें। मगर बाय चांस मान लो कोई कमजोर दिल का आदमी हो, उसको धमकाने के लिए तुमने एजेंट भेज दिए, वो तो उसको हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आ जाएगी और फिर वो आप पे मानहानि का दावा डाल देगा, वो क्या हैरेसमेंट का केस डाल देगा। तो बैंक्स उस समय क्या बोलेंगे? हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो एजेंट है, इसने किया, इसके ऊपर केस डालो। तो बैंक्स ऐसे क्या करते थे, वो फोर्सफुल रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट रखते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई ने देखा कि रिकवरी एजेंट्स ना अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, वो रिकवरी एजेंट के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। आज की डेट में रिकवरी एजेंट्स हैं मगर ये आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं। रिकवरी एजेंट कोई भी नहीं बन सकता, रिकवरी एजेंट बनने के लिए आरबीआई ने कुछ यार्डस्टिक दे रखे हैं, सिर्फ वो रेगुलेटेड लोग ही रिकवरी एजेंट बन जाते हैं। आज की डेट में बैंक्स के पास रिकवरी के ऑप्शन क्या खुले हैं? बेस्ट ऑप्शन जो आरबीआई आज की डेट में बैंक का होता है, बैंक्स ना अनसिक्योर्ड लोन देना ही बंद कर दिया बैंक्स ने। बैंक्स आज की डेट में क्या देते हैं? सिक्योर्ड लोन्स देते हैं, मेनली सिक्योर्ड लोन्स देते हैं। तो वो जब भी कोई चीज आपकी सिक्योरिटी रखवाते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। दैट इज व्हाई लोन्स को कई बार प्यार से कोलेट्रल भी बोल दिया जाता है, क्योंकि हर लोन के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होता है? कोलेट्रल होता है। टिपिकली मान लो मैंने एक लोन लिया 15 करोड़ रुपए का, तो वो मेरे से कोलेट्रल 15 करोड़ का मांगेंगे या उससे ज्यादा का मांगेंगे? ज्यादा का, क्योंकि अगर आपने ज्यादा का नहीं दिया, याद है सब प्राइम क्राइसिस पड़ा था बिजनेस साइकिल चैप्टर में, जो यूएस के अंदर सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, उसका रीजन ही क्या था कि आप कोलेट्रल कम रख रहे थे, कोलेट्रल रखे बिना आप लोन दे रहे थे। तो बैंक्स आज की डेट में क्या करेंगे? आपके कोलेट्रल को सेल आउट कराएंगे। यहां पर भी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं? क्योंकि मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है, एक कंपनी का 50 करोड़ की एक लैंड है, उसने पहला लोन लिया 5 करोड़ का, गिरवी किसको रख दिया? कोलेट्रल किसको रख दिया? लैंड को रख दिया। अगला लोन लिया 10 करोड़ का किसी और बैंक से, फिर से कोलेट्रल किसको रख दिया? लैंड को रख दिया। तीसरा लोन लिया, उसको भी कोलेट्रल में क्या रख दिया? लैंड को रख दिया, क्योंकि उस लैंड की वैल्यू ज्यादा थी। अब जब उसने डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट करते ही क्या हुआ? सारे लोग आ गए, वहां पर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं राइट्स के, कौन से क्रेडिटर की राइट ऊपर है, कौन से की नीचे है। उन डिस्प्यूट्स के अंदर बैंक्स को कई बार क्या करने पड़ते हैं? लीगल सूट्स फाइल करने पड़ते हैं। तो आज की डेट में ना बैंक्स का पूरा एक लीगल सेल होता है जिसे वो बोलते हैं रिकवरी सेल। उस रिकवरी सेल के अंदर रिकवरी एजेंट नहीं बैठे, उसके अंदर कौन बैठे हैं? लॉयर्स बैठे हैं, जो जैसी आपकी पेमेंट अगर नहीं होगी आपको पहले 2-3 प्यार से रिमाइंडर भेजेंगे, फिर वो रिमाइंडर थोड़े थोड़े स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, फिर उसके अंदर वो लीगल नोटिस भेजेंगे, एंड देन इमीडिएटली वो क्या करेंगे? कोलेट्रल रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, ताकि ऐसा ना हो कोलेट्रल आपका कोई और ले जाए। ठीक है, तो ये अब ये सारे प्रोसेस में ना बैंक का बड़ा पैसा खर्च होता है। रिकवरी के ऊपर खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट जो बैंक ने कमाया था उसका मेजर पोर्शन तो खर्चे के रूप में चला गया। तो बैंक ने कमाया क्या आपसे? कुछ भी नहीं कमाया। कई बार क्या होता है, मान लो मैं मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैं लॉसेस में जा रहा हूं, मैंने बहुत सारे पैसे देने हैं लोगों के, जैसे आज की डेट में काफी सारी कंपनीज की हालत हो गई है, हजारों करोड़ के लोन ले रखे हैं, हालत बिल्कुल कसता है, पैसे देने के लिए नहीं है। रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस। अनिल अंबानी की कंपनी के पास डेट की रीपेमेंट करने के पैसे नहीं थे, उसके अंदर बॉन्ड्स था मगर बैंक्स के पैसे भी नहीं है। अब मान लो आप गए हो एक बिजनेसमैन के पास, एक बैंक मेरे पास आया, उसने बोला आप मेरे पैसे दो नहीं तो मैं आपका कोलेटरल सेल करा दूंगा, मैं आपको लिक्विडेट करा दूंगा, मैं बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करवा दूंगा आपको।
मैंने कहा करवा लो मगर इसमें मेरा नुकसान नहीं है, तुम्हारा भी नुकसान है। उसने कहा कैसे, मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन जब बैंकक्रप्ट डिक्लेयर होता है तो क्या होता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो क्या होता है, मेरी लाइबिलिटीज ज्यादा होती है, मेरे एसेट्स कम होते हैं। मेरी जेब में 100 रुपीज मेरी लाइबिलिटीज है, 150 रुपए मैंने आपसे 15 रुपए लिए, किसी से 20 रुपए लिए, किसी से 25 रुपए लिए हैं, आप सब मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो। मैंने कहा देखो जी, मारना है पीटना है जो मर्जी कर लो, पैसे तो 100 रुपीज ही है, रिकवर करने हैं तो मैक्सिमम कितने आएंगे जेब में, 100। तो जिसने 15 लेने हैं उसको 12 पल्ले पड़ेंगे, जिसने 25 लेना है उसको शायद 21 रुपए मिलेंगे। हर बंदा कुछ ना कुछ लॉस बियर करेगा, इसे बोलते हैं कट लेना, हेयर कट लेना। हेयर कट का मतलब क्या है, आप अपने लोन के ऊपर थोड़े पैसे को गिवअप करना पड़ता है, क्योंकि जो आपसे पैसे आपका बोरोवर है वो उसने अपने आपको क्या डिक्लेयर कर लिया है, बैंकक्रप्ट। तो मैंने कहा अगर आपने मुझे बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करवाना है, मेरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करवानी है, गो अहेड, मगर उसमें आपका नुकसान होगा। अगर आपका लोन 10,000 करोड़ का है, आपको रिकवरी सिर्फ 6,000 करोड़ की होगी, 4,000 करोड़ रुपए आपका डूब जाएगा। उसने बैंक ने बोला ये तो गलत बात है यार, तुम पे विश्वास किया था। मैंने कहा बोला मैं मार्केट से भाग रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा, मुझे ये कंपनी चलानी है। टेम्परेरली मेरे बुरे हालात चल रहे हैं, जैसे अनिल अंबानी के बुरे चल रहे हैं, अनिल अंबानी के टेम्परेरली बुरे हालात चल रहे हैं, वो दिवालिया थोड़ा हो गया है। He belongs to a very rich family. उसकी खुद की पर्सनल वेल्थ बहुत ज्यादा है, उसकी कंपनी की हालत बुरी है, उसकी हालत बुरी थोड़ा है, ऐसे थोड़ा है कि दिन में 3 रोटी की जगह वो 4-2 रोटी खाने लग गया है, 3 बार की जगह 2 बार खाना खाता है कि उसके पैसे नहीं बचे। उसके खुद के पास पैसा है, अगर उसको बेल आउट करना होगा तो उसका बड़ा भाई आ जाएगा बेल आउट करने के लिए, मगर वो कह रहा है मैं इसी कंपनी को वापस ग्रो करके दिखाऊंगा, वापस ग्रो करके दिखाऊंगा। तो उसने बोला बैंक को मुझे तुमसे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए। उसने बैंक ने कहा क्या हेल्प चाहिए, वो कह रहा तुम्हारे भी फायदे की बात है, तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो लोन आज ड्यू है तुम अपने रीपेमेंट पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा दो, या तुम जो अनपेड इंटरेस्ट है उसको एक नया लोन बना दो, या अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़े समय के लिए गिव अप कर दो, आपको इस समय के लिए मैं इंटरेस्ट रेट नहीं लगाऊंगा, बाद में इंटरेस्ट रेट ज्यादा ले लेना, या ऐसा करो थोड़ी देर के लिए अपने लोन को गिव अप कर दो, आप मेरे से इक्विटी शेयर ले लो, कल को जब मैं ऊपर जाऊंगा तो आपको इक्विटी शेयर के रूप में रिकवरी हो जाएगी, आपके लोन किस में कन्वर्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से मैं क्रेडिटर के साथ अरेंजमेंट करता हूं, इसे बोलते हैं डेट सेटलमेंट। डेट सेटलमेंट में आप फोर्सफुल रिकवरी ना करके कोई बीच का रास्ता निकालते हो, जहां पर आप अपने एक पर्सन को जो आपको पैसा टेम्परेरली नहीं दे पा रहा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा लीनियंट करते हो, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा चुका सके। इसके लिए सीए इंटर के अंदर आपका एक चैप्टर आएगा अकाउंटेंसी में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, शायद कॉलेज में मुझे नहीं पता आपका फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में अकाउंटेंसी में चैप्टर पढ़ोगे आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे सारे अकाउंट्स के सवाल यही होंगे। आपका एक लोन था, बैंक ने उस लोन को 10% लोन की जगह 12% लोन बना दिया विद दी प्रॉमिस कि अब आपको 6 महीने की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें किसमें आती है, डेट सेटलमेंट के अंदर आती है। तो 3 वर्ड है, एक बार पढ़ लो। सबसे पहले डेट रीपेमेंट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट ऑफ अ डेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, समटाइम्स द कंसोलिडेशन दैट इज प्रोवाइडेड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेट रीपेमेंट। कंसोलिडेशन मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी अनपेड इंटरेस्ट जिसको हमने प्रिंसिपल में एड कर दिया। दूसरा, डेट रिकवरी इज द प्रोसेस दैट इज इनिशिएटेड बाय द बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बाय वेरियस प्रोसीजर्स लाइक डेट सेटलमेंट एंड सेटलमेंट एंड सेल ऑफ कोलेटरल। आज की डेट में डेट सेटलमेंट भी डेट रिकवरी का एक तरीका है, क्योंकि रिकवरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई सामने वाले के जाके एसेट्स बिकवा दो, कई बार सामने वाले को ज्यादा टाइम देना भी एक रिकवरी का तरीका है। और लास्ट में क्या है, डेट सेटलमेंट इज अ प्रोसीजर वेयर अ पर्सन इन डेट नेगोशिएट्स द प्राइस विद द लेंडर ऑफ द लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट और द रेट एंड द रेट ऑफ पेमेंट एंड इंश्योर अ फास्ट एंड गारंटेड रीपेमेंट। यहां पर हम अपने टर्म्स में थोड़ी बहुत लीनियंसी कर देते हैं ताकि वह फ्यूचर में हमें पेमेंट कर दे। ये 3 वर्ड हैं जो एक जैसे मिलते जुलते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज हमने जो पढ़नी है वहां पर एक वर्ड है सिंडिकेटेड लोन्स। सिंडिकेटेड लोन्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हां जी, एग्जाम्पल में क्या है, लेट अस सपोज मुकेश अंबानी रिप्रेजेंटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जाके मैनेजर के रूम में जाके बैठ गया। मान लो मुकेश अंबानी एक मैनेजर के रूम में आके बैठ जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बेशक ब्रांच मैनेजर है, वो हेड ऑफिस मैनेजर है, तो वो एक मिनट के लिए घबरा जाएगा कि ये बंदा खुद क्यों चल के आ गया। रोज रोज मुकेश अंबानी आई होप बैंक नहीं जाता होगा। उसे वो बैंक के पास गया और उसने कहा मैं एक नई तरह की कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। उसने कहा बहुत अच्छी बात है करो। वो कह रहा है उसके लिए मुझे 40,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए।
कितने का लोन चाहिए? 40,000 करोड़ का। बैंक का मैनेजर अपनी सीट से उठ गया, वो कह रहा है क्यों भाई क्या परेशानी है? वो कह रहा है इतना तो पैसा है नहीं मेरे पास 40,000 करोड़ का, अगर मैं 40,000 करोड़ में सिर्फ आपको दे दूं तो मेरा बैंक का पोर्टफोलियो, खासकर मेरी ब्रांच का पोर्टफोलियो, हर बंदे को अपनी ब्रांच के पोर्टफोलियो से टेंशन होती है ना, उसमें 40,000 करोड़ का तो लोन तो आपके चला जाएगा। कल को खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस ना चला, आपके पास तो 15 बिजनेस है, आप तो कहोगे एक नहीं चला, मेरा लोन अगर एनपीए हो गया मेरा बैंक तो बिल्कुल डाउन आ जाएगा। तो 40,000 करोड़ तक का रिस्क तो हम नहीं ले सकते, हम आपको लोन नहीं दे सकते। अंबानी खड़ा हो गया, कहता किसी और से ले लूंगा। उसने कहा सर हम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के नंबर वन बैंक, अगर हम नहीं दे पा रहे किसी और बैंक का चले जाओ वो भी नहीं देगा। गो हेड गो टू पीएनबी, 40,000 करोड़ का एक्सपोजर पीएनबी भी नहीं लेगा। देन गो हेड बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी नहीं देगा। कोई भी इंडिविजुअल बैंक आपको 40,000 करोड़ नहीं देगा। वो कहेगा फिर तो बड़े गरीब देश के लोगों, मैं किसी और जगह से लेके आता हूं। वो कह रहा रुको आप 10 मिनट बैठो मैं आता हूं अभी। इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ने फोन किसको किया? इसने फोन किया पीएनबी वाले को, पीएनबी वाले को फोन किया। उसने बोला ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस में मुकेश अंबानी साहब बैठे। उसने कहा मुबारक हो। वो कह रहा मुबारक की बात नहीं है, वो 40,000 करोड़ मांग रहे हैं। उसने बोला हेलो आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उसको पता लग गया पैसे मुझसे मांगने वाला है ये। उसने फोन काट दिया ऐसी ओरिएंटल बैंक को फोन किया, उसने काट दिया बैंक ऑफ बड़ौदा को किया, उसने काट दिया। कोई भी 40,000 करोड़ का नाम सुनते ही क्या करा, हर किसी ने बैकआउट मार दिया। उसने कहा मुकेश अंबानी साहब के साथ चाय पीनी है तो बुला लो, लोन देना है तो हम देने नहीं आ रहे। फिर उसने कहा ये तो गड़बड़ है, अगर ये बंदा हमसे लोन नहीं लेगा ये तो परेशान हो जाएगा कि इसको लोन नहीं मिल रहा, यानी हमारे देश के सारे बैंक मिलकर लोन नहीं दे रहे। उसने क्या किया इस बार, उसने एक बैंक को फोन नहीं किया, उसने 5-6 बैंक्स के एमडीज को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लिया। और उसने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बोला 40,000 करोड़ रुपए देने की औकात हम में से किसी की नहीं है, क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। मगर हम ऐसा करते हैं, मैं मुकेश अंबानी को बोलता हूं लोन मैं दे रहा हूं, तुम पीछे से मुझे फाइनेंस कर दो। 40,000 करोड़ के लोन में लीड मैं रहूंगा, मगर तुम पीछे से मुझे सपोर्ट कर दो। वो कह रहे हमें क्या मिलेगा? वो कह रहे जो इंटरेस्ट आएगा वो मैं तुम्हें बांट दूंगा। तो 40,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ मैं देता हूं, बाकी कोई तो कोई कह रहा है मैं 5,000 करोड़ दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं 6,000 करोड़ दे दूंगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा रिलायंस से हम क्या करेंगे अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से बांट लेंगे। थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ले ली। नो सारे बैंक्स ने मिलके किसको लोन दिया? मुकेश अंबानी को। मगर मुकेश अंबानी को लग क्या रहा है किसने लोन दिया? स्टेट एस बैंक ऑफ इंडिया ने। इस लोन को बोलते हैं सिंडिकेट लोन, और इस एंटिटी को बोलते हैं लीड बैंक। सिंडिकेट लोन्स आर लोन्स वेयर टू और मोर बैंक्स, टू और मोर लेंडर्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ पर्टिकुलर लोन, एंड वन ऑफ देम परफॉर्म्स अ रोल ऑफ अ लीड बैंकर। लीड बैंकर क्या करता है? सिर्फ क्लाइंट से इंटरेक्शन वगैरह करता है। लीड बैंकर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिस्क आपका है या सिर्फ इंटरेस्ट आपका है। रिस्क सब में बटा है, इंटरेस्ट सब में बटा है, लीड बैंकर एक होता है। आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, कोई भी एग्जांपल देखो, चाहे नीरव मोदी वाला केस चल रहा हो, चाहे विजय माल्या वाला केस चल रहा हो, उन सब में एक बैंक इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे बैंक इन्वॉल्व है। क्योंकि वो जो लोन्स गए थे ना इन लोगों को, वो एक बैंक ने दिए थे। किसने दिए थे? सिंडिकेट लोन्स के रूप में गए थे। सिक्योरिटी लेंगे, मगर बिसाइड द सिक्योरिटी अमाउंट, कई बार ना सिक्योरिटीज के रूप में ना क्या दिया जाता है, सिक्योरिटी के रूप में शेयर्स दिए जाते हैं। वो जमाना चला गया जब लैंड का टुकड़ा सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता था, क्योंकि कंपनीज लैंड नहीं लेकर रखती आज की डेट में इतनी। अगर आपने शेयर्स को सिक्योरिटी के रूप में दिया, कई बार उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इतनी गिर जाती है कि वो सिक्योरिटी डूब गई। यानी मैं एक समय पे पूरी तरह से कवर था, मेरा कोलेटरल की वैल्यू मेरे लोन से ज्यादा थी, एक दिन ऐसा आएगा मेरी कोलेटरल की वैल्यू गिर जाएगी, मेरा लोन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आज हाँ पहले डिक्लेयर कर रखा होता है, इसे बोलते हैं कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स ने मिलकर लोन दिया है, सिंडिकेट लोन्स को। ठीक है, तो आपका ये वर्ड दे रखा है पेज 107 पे, सिंडिकेट लोन, अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू अ सिंगल बोरोवर, स्पेशली कॉर्पोरेट बोरोवर। ठीक है, इन मोस्ट केसेस ऑफ सिंडिकेट लोन्स देयर विल बी अ लीड बैंक व्हिच प्रोवाइड्स द पार्ट ऑफ द लोन एंड सिंडिकेट्स द बैलेंस अमाउंट टू द अदर बैंक्स, दिस आर कॉल्ड सिंडिकेट बैंक्स। अच्छा, बात चल रही है मुकेश अंबानी की, तो सोच के देखो, जब मुकेश अंबानी मेरे बैंक में आया हुआ था तो सारा स्टाफ उसके ध्यान में लगा हुआ था, क्योंकि अब हमारे पास 40,000 करोड़ की लोन की रिक्वायरमेंट आई है, ये उतना लोन है जितना हम साल में एग्रीगेट में नहीं देते। दूसरी तरफ उसी बैंक के अंदर भीड़ लगी हुई थी, तो हमने पूछा लाइन में जो लोग लगे हैं, एक बंदे से पूछा उसने कि आप यहां क्यों खड़े हो? वो कह रहे हैं 1,500 रुपए मेरे बचे हैं,
उसको मैं बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने आया हूं। एक बंदा कह रहा है मैं अपनी पासबुक को फिल कराने आया हूं, ठीक है। एक बंदा कह रहा है मेरे को लोन चाहिए सर, मैं पूछने आया हूं लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक और बंदा आया कह रहा है मेरा एटीएम गुम हो गया है, मुझे नया एटीएम दो। तो यहां पे भीड़ लगी पड़ी है। इन सारे भीड़ से बैंक को कुछ नहीं मिलने वाला। एक बंदा 1500 रुपए देके जा रहा है, एक बंदा नया एटीएम लेके जा रहा है, एक सिर्फ टाइम पास के लिए अपनी पासबुक फिल कराने आया है। दो तरीके हैं, या तो बैंक मैनेजर का तुम निकलो, मैं आज अंबानी को करूंगा, अगर तुम निकलो तो वो कहेंगे अच्छा इसका मतलब डिपॉजिट हम कहीं और रख लेते हैं, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि अंबानी को पैसे देने के लिए डिपॉजिट कहां से आएंगे, वो तो लोगों से आएंगे। अब आप लोगों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, मगर ये लोग अपने छोटे छोटे काम के लिए आते हैं, और आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसका बेस्ट तरीका क्या है, आप अपने बैंकिंग बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक का नाम होता है होलसेल बैंकिंग, एक का नाम होता है रिटेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग में आपके कस्टमर कौन होंगे, बड़े बड़े यानी कि कॉर्पोरेट्स, जिनके अंदर डिपॉजिट्स आएंगे तो लाखों करोड़ों में आएंगे, जिनके लोन जाएंगे तो लाखों करोड़ों में जाएंगे। इनका फॉरेक्स कन्वर्जन होगा तो 8, 10, 15, 20, 50 डॉलर्स नहीं होगा, होगा तो सीधा क्या होगा, हजारों करोड़ रुपए के पैसे डॉलर्स के रूप में आ रहे जा रहे हैं। यहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी। रिटेल बैंकिंग में आप क्या करोगे, एवरीडे कस्टमर को डील करोगे। आपने अपने बिजनेस को दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि आप अपनी स्कीम्स अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हो। देखो आप सबके पास फोन आता होगा, अगर सेविंग बैंक का भी फोन आए, वो आपको स्कीम में क्या बोलता होगा, सर हमारा नया सेविंग बैंक अकाउंट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, इसके अंदर आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको एटीएम मिलेगा, एटीएम के चार्जेस 4 साल के लिए फ्री आपके लिए, आप एटीएम से जितना मर्जी विड्रॉ करो, आपको इंटरनेट बैंकिंग का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये सारी चीजें बोलेगा इंप्रेस करने के लिए। सोचो मुकेश अंबानी को भी यही फोन आ रहा है, सर आपके एटीएम चार्ज नहीं लगेंगे, वो कहेगा तू मजाक कर रहा है, एटीएम चार्ज कितने ले लेते हैं, 1000 रुपए, यहां 1000 रुपए के लिए तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। यानी कि अनलेस एंड अनटिल आप अपने बिजनेस को डिवाइड करो, आप कभी भी ना ऑफर्स डिजाइन ही नहीं कर पाओगे अपने कस्टमर से। रिटेल बंदे की रिक्वायरमेंट अलग है, उसको जब अलग बिजनेस बनाओगे तभी उसको उस वे में टारगेट कर पाओगे। होलसेल वाले की रिक्वायरमेंट अलग है, वो 1000, 2000, 4000 के चार्जेस से नहीं डरता, उसको सर्विस चाहिए बिकॉज उसके पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली यहां पे एक वर्ड दे रखा है पेज 107 पे, होलसेल बैंकिंग इट इज अ टर्म यूज फॉर बैंक्स विच ऑफर सर्विसेज टू अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज, लार्ज इंस्टीट्यूशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिटेल इन्वेस्ट बैंकिंग आपके वहां पर दे नहीं रखा, बट होलसेल से आप रिटेल को फर्क समझ सकते हो। यहां आई है तो दो वर्ड और पढ़ लेते हैं, एक है जीरो बैंक अकाउंट। अभी मैंने आपको बोला जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट क्या होगा, जो जनधन योजना के अंदर खुले हैं, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप 0 रुपीज भी रखोगे आपका बैंक क्या रहेगा, ऑपरेटिव रहेगा। अच्छा जो अकाउंट जीरो बैंक बैलेंस वाले नहीं होते उनमें क्या होता है, अगर जीरो बैंक बैलेंस वाला अकाउंट नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट लेट्स से जो मेरे पास यस बैंक का अकाउंट है उसकी मिनिमम बैलेंस अकाउंट रिक्वायरमेंट है 15000 रुपए। 15000 रुपए से नीचे जैसे पैसे जाएंगे तो क्या करेंगे, मुझे अरेस्ट करने आ जाएंगे, क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। जैसे ही मेरे अकाउंट में 15000 रुपए से कम जाते हैं तो मेरे पे पहले एक इंटीमेशन आती है, मुझे 2-3 दिन की मोहलत मिलती है कि 15000 रुपए वापस पूरे कर लो, नहीं तो मेरे पे क्या लगने लग जाते हैं, मिनिमम बैलेंस चार्जेस। ये बेसिकली क्या होते हैं, एक पीनल चार्जेस होते हैं। ये जो सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस था ना, इस चक्कर में लोग बैंक अकाउंट खुलवाते नहीं थे। तो इन दी रिसेंट टाइम्स जीरो बैलेंस अकाउंट आ गए हैं। पहले ये बैंक अकाउंट आए थे स्टूडेंट्स के लिए, मुझे याद है 8 से 10-12 साल पहले मैंने स्टूडेंट अकाउंट खुलवाया था पंजाब नेशनल बैंक में, जिसकी खास फीचर ये था उसके अंदर बैलेंस रिक्वायरमेंट जीरो थी। और उसके बाद तो आपको बताया 2015 के आसपास जनधन योजना आई, उसमें तो सारे अकाउंट ही क्या हो गए, अलग बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं उन्हें, उनमें फीचर्स थोड़े कम होते हैं मगर उनके अंदर बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या होती है, जीरो। अगर वो जीरो रिक्वायर आपने पैसा रखा है तो भी वो बैंक इनऑपरेटिव नहीं होगा। ऐसी एक अगला वर्ड दे रखा है जीरो, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, एटीएम दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, आपने बैंक ने आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट खड़ी कर रखी है जो बैंक की फिक्स कॉस्ट है। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो मगर उसे ऑपरेट नहीं कर रहे तो बैंक को रेवेन्यू तो आएगी नहीं, ऑपरेट करोगे तभी तो चार्जेस वार्जेस लगेंगे छोटे मोटे, तभी वो आपसे मिनिमम बैलेंस रखवाते हैं, नहीं तो लोग क्या करेंगे, ऐसी अकाउंट खुलवा के भाग जाएंगे। वो चाहते हैं कि वो बैंक अकाउंट ऑपरेटिव भी रहे, मिनिमम पैसा तो दो। देखो बैंक ना आपके डिपॉजिट से सिर्फ लोन दे सकता है, लोन देता है मेनली, तो आपके डिपॉजिट्स बैंक को चाहिए क्यों होते हैं, लोन देने के लिए।
अगर बैंक ने आपके सेविंग और करंट अकाउंट के खाते खोले मगर आपने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो कहने के लिए बैंक के पास बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, उनके अंदर पैसा है ही नहीं, तो बैंक के पास पैसे का अपना जो मेन हाई पावर्ड मनी होती है जिसके बेसिस पे लोन क्रिएट होते हैं वो पैसा ही नहीं होगा। दैट इज वाई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट में क्या दे रखा है, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होती है, अच्छा मॉर्टगेज वर्ड भी नहीं पढ़ा हमने, मॉर्टगेज वर्ड भी रह गया पिछले पेज में, पहले मॉर्टगेज वर्ड पे आते हैं फिर पढ़ेंगे। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज, अगर पिछले पेज में लॉक इन वर्ड के नीचे दे रखा है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है भाई, सिंपल भाषा में बताओ, गिरवी रखना। मॉर्टगेज का मतलब गिरवी रखना, मगर इंग्लिश में ना तीन वर्ड आते हैं, मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन। तीनों के अंदर राइट्स और ऑब्लिगेशन अलग अलग होती हैं। तो प्लेज और हाइपोथिकेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, मॉर्टगेज दे रखा है। मॉर्टगेज में आपको याद रखना है, मॉर्टगेज वर्ड मेनली किसके लिए यूज होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। देखो मॉर्टगेज में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, अगर मैंने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रख रखा है एज ए कोलेटरल, दैट डज नॉट मीन मैं आपको घर से निकाल रहा हूं, आप उस घर में रह सकते हो। यू कैन कंटिन्यू टू यूज दैट प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम दैट एसेट वुड बी माइन नॉट योर्स टिल द टाइम यू रीपे द लोन। ऑन द अदर हैंड अगर आपने गोल्ड रखा है तो गोल्ड क्या होगा, बैंक अपने पास रखेगा, अपने लॉकर में रखेगा। दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट मॉर्टगेज, दिस इज हाइपोथिकेशन या प्लेज के अंदर कवर हो जाता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, मॉर्टगेज। याद क्या करना है, मॉर्टगेज इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर वेयर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इज यूज एज ए कोलेटरल फॉर द लोन इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेट। कोलेटरल वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होगा, रियल एस्टेट के लिए। अच्छा मॉर्टगेज पढ़ लिया, अब यहां पर वर्ड क्या दे रखा है, जीरो डाउन पेमेंट बेस्ड मॉर्टगेज। मुझे ये बताओ डाउन पेमेंट क्या होती है, व्हाट इज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब होता है जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑन द स्पॉट पे करना पड़ता है। लेट से आप गाड़ी लेने गए, 10 लाख की गाड़ी थी, उन्होंने कहा सर 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर दो, बाकी 9.5 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, लोन में कन्वर्ट कर देंगे। ये पुराना जमाना था जब आपको लोन लेते समय कुछ अमाउंट अप फ्रंट पे करना पड़ता था। ये जो अप फ्रंट पे करते हो उसे क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। आजकल जमाना बदल गया, वो कह रहे हैं डाउन पेमेंट से क्या होना है, जब आप 9.5 लाख रुपए के लिए विश्वास कर रहे हो, आप 10 लाख के लिए विश्वास कर लो सामने वाले बंदे पे, तो डाउन पेमेंट का कोई लॉजिक नहीं रह गया। अगर आज आप प्रैक्टिकली देखो, फ्लिपकार्ट में जब जाते हो, फ्लिपकार्ट में ईएमआई का ऑप्शन होता है, मैंने 1 लाख रुपीज की एक टैबलेट लिया, एक लैपटॉप लिया, मैंने उसकी ईएमआई बनवा ली, मेरे को बिना पेमेंट किए वो लैपटॉप डिलीवर कर दिया जाएगा। वो ईएमआई चलती रहेंगी, अगले महीने से स्टार्ट होंगी, यानी आज की डेट में डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। और ऐसे लोन्स जिनके अंदर डाउन पेमेंट नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज। बहुत ही सिंपल वर्ड्स थे। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, हमने लॉक इन पेमेंट कर लिया, हमने कैप कर लिया, डेट रीपेमेंट, डेट रिकवरी, डेट सेटलमेंट, फिर हमने क्या कर लिया, मॉर्टगेज कर लिया, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज कर लिया, होलसेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग कर ली, और हमने जीरो बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट भी पढ़ लिया। अगला वर्ड जो हमने पढ़ना है, सिंडिकेटेड लोन्स भी कवर कर लिए। अगला वर्ड जो हमने पढ़ना है उसका नाम है अर्नस्ट मनी। अर्नस्ट मनी, अर्नस्ट मनी क्या होती है, अर्नस्ट मनी का मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको समझ जाओगे। ये फैंसी नाम है, इसका हिंदी वाला नाम बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी है दो लोग, ए ने बी के साथ का, ए ने बी को बोला मैं तुम्हें अपना हाउस बेचने को तैयार हूं 3 करोड़ का। बी ने कहा ओके मैं भी तुमसे 3 करोड़ खरीदने को तैयार हूं ये हाउस। ए कह रहा है मगर मुझे दिक्कत है, अभी एट प्रेजेंट इस घर के अंदर एक टेनेंट रहता है, जिस टेनेंट को निकालने में अभी मुझे 2 महीने लगेंगे, क्योंकि लीज डीड के हिसाब से अभी उसको 2 महीने का नोटिस देना है मुझे। बी ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास भी 3 करोड़ अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है, मुझे भी पैसा अरेंज करने के लिए, 3 करोड़ अरेंज करने के लिए 2 महीने का समय चाहिए। तो दोनों ने एग्री कर लिया कि 2 महीने बाद तुम मुझे घर बेचना और मैं तुम्हें क्या दूंगा, 3 करोड़ रुपए दूंगा। इसे बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आपने कवर कर लिया है, कर लिया है, ये वाला पार्ट नहीं किया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी ये वर्ड आएगा, सेल वर्सेज एग्रीमेंट टू सेल। अब वैसे ना मैं आपको बता दूं, हाउस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होती, वो कवर होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, मगर एग्रीमेंट टू सेल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी हो सकता है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी हो सकता है। मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया आपके साथ, मगर एग्रीमेंट टू सेल करते समय आपको भी डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। डर क्या है, मैं बी हूं, मुझे डर ये लग रहा है कि 3 महीने बाद में आपके पास अगर आया, 2 महीने बाद में आपके पास अगर आया, हो सकता है आप घर देने से मुकर जाओ, क्योंकि आपको मेरे से बेटर कोई बायर मिल जाए।
आपको ए को क्या डर है? मेरा सारा घर खाली करा दिया, बेचने की कंडीशन में ले आया, लास्ट वक्त पे आपने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है। तो इस एग्रीमेंट टू सेल में दोनों पार्टीज बाउंड हो जाएं, दोनों पार्टीज पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं। तो ए और बी ने कहा, दोनों ने म्यूचुअली बोला, ऐसे करो बी को, तू 30 लाख रुपए आज मुझे दे दे। 30 लाख रुपए बी आज ही क्या करेगा, एग्रीमेंट टू सेल वाले दिन ए को ट्रांसफर कर देगा। इसे आम हिंदी भाषा में हम क्या बोलते हैं? बयाना। टोकन दे दिया या बयाना मनी दे दी, हम इस प्लॉट का बयाना दे आए या टोकन दे आए, इस टोकन को टेक्निकली क्या बोलते हैं? अर्नस्ट मनी। अब होगा क्या, अगर 2 महीने बाद बी मुकर जाता है तो ये क्या करेगा, 30 लाख को रख लेगा, इसे बोलते हैं फॉरफिट कर लेगा। फॉरफिट वर्ड आई होप आपने शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अर्नस्ट मनी विल बी फॉरफिटेड बाय ए। अच्छा, ए ने अगर हाउस देने से मना कर दिया तो क्या होगा? ए 30 लाख तो देगा ही देगा, साथ में 30 लाख रुपए और देगा, 60 लाख रुपए बी को वापस देगा। टिपिकली मार्केट में ये चलता है, अर्नस्ट मनी का डबल या डेढ़ गुना वापस देना पड़ता है अगर आप मुकर जाओ। अर्नस्ट मनी तो देनी देनी है, ओवर एंड अबव दैट एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। यानी अर्नस्ट मनी इज बेसिकली अ एडवांस व्हिच इज गिवन बाय द बायर टू द सेलर व्हाइल एंटरिंग द नेगोशिएशन स्टेज ऑफ सेलिंग एनी प्रॉपर्टी। ये आपकी बुक में कहां दे रखा है, आ जाओ पेज नंबर 106 पे। Earnest money deposit, and earnest money deposit is made by the buyer to the potential seller of a real estate in the initial stage of negotiation. ठीक है, earnest money हमारा हो गया। Next word हमारा जो हमने cover up करना है, next हम जो cover up करेंगे check से related सारे terms cover कर लेते हैं। अब check से related words को cover करने के लिए पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा check होता क्या है। सर हम सबको पता है check क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं, लीगली फिर पता लगेगा चेक आपको पता है कि होता है क्या है या नहीं होता। क्योंकि चेक करके किसी को पता है, चेक काट के दे दिया, उसमें कौन क्या है, किसकी क्या ऑब्लिगेशन है, इसके लिए हमारे देश में पूरा एक एक्ट है जिसे हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। यानी चेक इज नथिंग बट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ इंस्ट्रूमेंट, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका सीए इंटर में है, मगर मैं इसमें काफी सारी चीजें बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में नहीं भी है, स्टिल समझने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहले समझना ओपन माइंड से, लास्ट में आपको बता दूंगा कौन कौन से टर्म्स आपके सिलेबस में है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट, एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑन बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप राइट्स और ऑब्लिगेशंस को ट्रांसफर कर सकते हो तो उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट। मुझे एक बात बताओ, सेल डीड, सेल डीड क्या एक इंस्ट्रूमेंट है या नहीं? नेगोशिएबल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। क्या सेल डीड एक इंस्ट्रूमेंट है? द आंसर इज यस, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। और उस सेल डीड के बेसिस पर क्या होता है, मैं अपनी सारी राइट्स और ऑब्लिगेशंस, जिसे प्यार से बोलते हो आप टाइटल, मैंने अपना टाइटल किसको दे दिया? आपको दे दिया। सेल डीड इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगला एग्जांपल लेते हैं लीज डीड। क्या लीज डीड भी एक इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? यस। यहां पर भी मैंने आपको राइट ऑफ टाइटल नहीं दिया, मगर मैंने आपको राइट टू ऑक्यूपाई दैट प्लेस दे दिया, और बदले में मैंने क्या किया, एक रिटन डॉक्यूमेंट कर लिया। लीज डीड इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। गिफ्ट डीड, मैं आपको एक परमानेंटली एक चीज गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं, मैंने उसके बेसिस पर आपको टाइटल ट्रांसफर कर दिया। इंस्ट्रूमेंट तो दुनिया में बहुत सारे हैं, हर वो चीज जिससे आप अपनी अपने आप को बाउंड कर लेते हो या सामने वाले को एक राइट दे देते हो उसे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। मगर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जहां पे राइट्स और ऑब्लिगेशंस आर ट्रांसफर्ड बाय मियर पोसेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब यह है, अगर कोई पर्सन सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को रखेगा ना, जिस बंदे के पास भी वो रिटन डॉक्यूमेंट होगा उसके पास उसका राइट होगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आप सब ने कभी अगर करेंसी नोट को ध्यान से देखा हो, उस करेंसी नोट में क्या लिखा होता है? आई प्रोमिस टू पे द बेरर ऑफ दिस नोट अ सम ऑफ रुपीज 2000 रुपीज, और नीचे साइन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई के। इसे बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, जो आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी के अंदर। करेंसी इज नथिंग बट अ प्रोमिसरी नोट विच हैज दी बैकिंग ऑफ व्हाट? आरबीआई। अगर मैं चाहूं, अगर आज की डेट में आरबीआई रूल्स एंड लॉज ना बनाती तो मुकेश अंबानी भी क्या कर सकता था, एक कागज के टुकड़े में लिखता आई प्रोमिस टू पे अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज, और मुकेश अंबानी की स्टैंडिंग के बेसिस पर वो जो कागज का टुकड़ा है वो करेंसी की तरह घूमता रहता। मगर इस चीज को आरबीआई एक्ट ने बना कर रखा है, आज की डेट में बेरर प्रोमिसरी नोट इश्यू करने बैंड है,
आरबीआई ने क्यों किया, क्योंकि वो कह रहा है मेरी तरह लोगों को मेरे पे जैसे विश्वास है, इस देश में बाकी बहुत सारे लोगों पे विश्वास है, तो वो मेरे कॉम्पिटिटर बन के बैठ जाएंगे। एक दिन पता लगेगा आरबीआई की तरह मुकेश अंबानी भी अपनी करेंसी चला रहा है, हमने पहली बैन कर रखा है उसे, प्रोमिसरी नोट बेरर वे वाले नहीं हो पाते। मगर मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, प्रोमिसरी नोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जिस बंदे के पास 500 रुपए है वो ये कह सकता है मैं इस 500 रुपए का हकदार हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक सेल डीड लेके बैठा था, जिस सेल डीड के अंदर मेरे नाम पे घर किया गया है, आप आए मेरे पास, आपने पीछे से देखा सेल डीड इसके हाथ में है, आपने सेल डीड उठाई और भाग गए आप, और आपने कहा आज से ये घर मेरा हो गया, यस और नो? क्या जस्ट बिकॉज आपने सेल डीड लेके भाग गए आपका घर हो गया? नहीं। दैट मीन सेल डीड इज अ इंस्ट्रूमेंट बट नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेरे हाथ में 500 का नोट था, आप 500 का नोट लेके भाग गए, अब क्या आप 500 रुपए के हकदार हो गए? यस, बिकॉज 500 रुपीज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरह के होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहला होता है प्रोमिसरी नोट, दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये तो हमने पढ़ रखे हैं, अभी देखता हूं कितने पढ़ रखे हैं हमने। तीसरा होता है चेक। सबसे पहले बात करते हैं, देखो आपने जवाब देना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं अकाउंटेंसी में 11वीं क्लास में हम सबने पढ़ा था, पढ़ा नहीं था तो रटा था, और फाउंडेशन में भी हम फिर से रटेंगे। तो अब एक बार डिस्कस करते हैं, ए ने बी से गुड्स परचेज कर लिए, ए ने गुड्स परचेज कर लिए बी से, कितने की कर लिए? 50,000 के। मुझे बताओ प्रॉमिसरी नोट कौन इशू करेगा, ए या बी? पढ़ा था सर हमने तो, ए करेगा या बी करेगा? यहां पे पहले तो सिंपल बताओ, डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है? ए डेटर है, बी कौन है? क्रेडिटर है। तो मेरा सवाल ये है, प्रॉमिसरी नोट इज इश्यूड बाय अ डेटर टू द क्रेडिटर और बाय अ क्रेडिटर ऑन द डेटर? प्रॉमिसरी नोट इश्यू करता है हमेशा डेटर, ए विल इश्यू द प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि इसकी लैंग्वेज पता क्या होती है प्रॉमिसरी नोट की, नाम से पता लग रहा है, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ 50,000 टू बी और द बेरर और वट एवर जो आपने लिखना है इसके अंदर। जो बंदा इसको ड्रॉ करता है, जो बंदा इसको बनाता है वो डेटर होता है, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा होता है। यहां पर ए को बोलेंगे ड्रॉयर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, उसने प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ किया तो उसे हम प्यार से क्या बोलेंगे? ड्रॉयर। बी कौन होगा? बी क्रेडिटर है, इसे हम प्यार से बोलेंगे ड्रॉई। और टिपिकली प्रॉमिसरी नोट ना किसी तीसरे बंदे के नाम पर नहीं होता, जो ड्रॉई होता है ना वही कौन होता है? पे। तो प्रॉमिसरी नोट में दो लोग होते हैं, एक होता है ड्रॉयर, एक होता है ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? पे ही होता है, राइट? अनलेस वो बेरर हो। मगर मैंने आपको बता दिया हमारे देश में आरबीआई एक्ट के हिसाब से बेरर प्रॉमिसरी नोट कोई भी इश्यू नहीं कर सकता अदर देन आरबीआई। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बेरर प्रॉमिसरी नोट इज योर करेंसी नोट, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। फिर से सेम सवाल है, ए ने बी से गुड्स परचेज किए, अब बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करेगा? बी करेगा। बी कौन है? क्रेडिटर। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन भी और लैंग्वेज क्या होती है? पे टू मी और माय ऑर्डर और द बेरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट अ सम ऑफ 50,000 रुपीज आफ्टर 3 months। जब मैं बोल रहा हूं ना पे, तो मैं अपने आप को याद नहीं दिला रहा, मैं किसी और को ऑर्डर दे रहा हूं। प्रॉमिसरी नोट इज द प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज इज द ऑर्डर। जो बंदा ऑर्डर देता है बी, वो क्रेडिटर होता है, उसका नाम होता है ड्रॉयर, और जिसके ऊपर ऑर्डर इश्यू होता है वो कौन होता है? ड्रॉई। अगर आप ध्यान से देखो ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉयर कौन था? डेटर। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर कौन हो गया? क्रेडिटर। प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉई कौन था? क्रेडिटर। यहां पे ड्रॉई कौन हो गया? जिसने पैसे देने हैं, यानी कि डेटर। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी को ऑर्डर देता हूं, जब आप अपने दिमाग में ये सेट कर लोगे, ऑर्डर कौन देता है? जिसको पैसे लेने हैं वो ऑर्डर देगा जिसको पैसे देने हैं। तो ड्रॉयर विल बी द क्रेडिटर एंड अपना ड्रॉई विल बी द डेटर। अच्छा, यहां पर जो हम पैसे देने हैं ना, हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिख सकते हैं पे टू बी, या बी की जगह किसी और बंदे का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में आरबीआई बैंक बेरर प्रॉमिसरी नोट या थर्ड पार्टी प्रॉमिसरी नोट को बैन करता है, मगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं करता। तो यहां पर जो बंदा होगा ना पेई, वो पेई ना तो, पहली बात तो ड्रॉई तो हो ही नहीं सकता पेई, वो या तो ड्रॉयर होगा, ड्रॉयर ने खुद को पे करने के लिए बोला, या फिर कौन होगा? कोई तीसरा बंदा होगा जिसको ड्रॉयर ने शायद पैसे देने हो, या कोई और रिलेशन हो उसके साथ। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 parties होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पे। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही parties होती हैं, ड्रॉयर और ड्रॉई। ड्रॉई हिमसेल्फ इज दी
पे। बात समझ में आई है? यहां तक तो मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बताया। अब आप इसकी जनरल एंट्री करते थे। जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं उसके लिए बीपी बन जाता है, जिसने लेने होते हैं उसके लिए क्या बन जाता है? बी आर बन जाता है। अब मुझे बताओ चेक, चेक मैं पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूं, आपने चेक को देख के मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है। ऐसा चेक होता है, उस चेक के ऊपर लिखा होता है पीएनबी या लिखा होता है पे टू डैश और बियरर अ सम ऑफ डैश, नीचे साइन संचित ग्रोवर, ठीक है जी, डेट वेट डाल के, हां जी अमाउंट भी डाल दो, लो और डालने और डालने बोलो डाल देता हूं। अभी मेरे को अगली डेफिनेशन बढ़ानी है बाउंस्ड चेक की, तो ये वही होने वाला है। चलो अच्छा पढ़ो। अब इस चेक के अंदर पहले तो मुझे सोच के इसकी लैंग्वेज पढ़ के बताओ, चेक इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज? पढ़ के बताओ, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? बनाया किसने? हु इज द ड्रॉयर? संचित ग्रोवर। मैंने अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लिया है या मैंने किसी को ऑर्डर दिया पैसे देने का? ऑब्लिगेशन लिया चेक के अंदर नहीं, मैंने ऑर्डर दिया किसी को। ऑर्डर किसको दिया सर? पीएनबी को ऑर्डर दिया मैंने। मैंने पीएनबी को बोला है पीएनबी पे इतना अमाउंट टू दिस पर्सन, यानी यहां पर ड्रॉयर कौन हो गया है? मैं। ड्रॉयर इज द पर्सन जिसने चेक काटा है, ड्रॉई इज द बैंक जिसके ऊपर चेक काटा गया है। अब आपके दिमाग में यह आएगा सर ड्रॉई तो हमेशा डेटर होता है, पीएनबी आपका डेटर है, यस और नो? यस पीएनबी मेरा डेटर है। सोच के देखो, मैंने पीएनबी को अपने अकाउंट में पैसे दे रखे हैं। अगर मैं सेविंग बैंक अकाउंट को अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाता हूं तो जस्ट इमेजिन पीएनबी ने अपनी बैलेंस शीट में मुझे कहां पे दिखा रखा होगा? लायबिलिटी में। एवरी सेविंग अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट विच इज इन द एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट इज ऑटोमेटिकली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। तो बेसिकली पीएनबी कौन हो गया? मेरा डेटर हो गया ड्रॉई। मैंने पीएनबी को बोला जो तूने मुझे पैसे देने हैं, आई ऑर्डर यू टू पे टू सो एंड सो। अब मैंने यहां पर नाम लिख दिया रामलाल। रामलाल यहां पे कौन बन गया? पे। तो बेसिकली चेक इज नथिंग, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज चेक, आप बोलोगे चेक इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच द ड्रॉई इज द बैंक, और इस बैंक को बोला जाता है ड्रॉई बैंक। बात समझ में आई है? अब मुझे बताओ, रामलाल को मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया रामलाल, और सबसे बड़ी बात ये है ना, इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, ये ऑन साइट पेमेंट करने के लिए होता है। यानी मैं यहां पर लिखूंगा आफ्टर थ्री मंथ्स और समथिंग, मैं यहां पर कभी भी कोई लेके जाएगा पेमेंट हो जाएगी। रामलाल, रामलाल का खुद का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। रामलाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया, उसने चेक दे दिया जाके विंडो पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको क्या बोला होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला होगा मेरे पास चेक क्यों लाए हो, मैं तो ड्रॉई हूं नहीं, मेरे को तो ऑर्डर दिया नहीं, और मैं तो संचित ग्रोवर को जानता भी नहीं। ये चेक कटा किसके ऊपर है? पीएनबी पे। ड्रॉई बैंक कौन है? पीएनबी। जाओ पीएनबी जाओ। रामलाल का ठीक है, पीएनबी की जगह स्टेट बैंक की जगह कहां चला गया? पीएनबी। पीएनबी जब वो गया रामलाल वहां पर, उसने चेक दिखाया, रामलाल के हाथ में जैसी चेक मिला उन्होंने वर्ड देखा बियरर, उन्होंने कहा तुम रामलाल हो या रामलाल के बड़े भाई श्यामलाल हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो? बियरर हो, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो। अगर आप रामलाल के हाथ से छीन के लेके आए हो या आप खुद रामलाल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो 50,000 बहुत बड़ी पेमेंट है, 50,000 लेके चलते हैं, वो ये अमाउंट की पेमेंट क्या कर देगा? आपको हाथ में पकड़ा देगा। अब ये क्या बन गया? बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर करते हैं, इसे कहते हैं चेक ऑनर हो गया। और अगर इतना अकाउंट मेरे अकाउंट में पैसा था ही नहीं तो इस चेक को क्या बोलेंगे? बाउंस चेक। चेक बाउंस हो गया, यानी कि चेक की पेमेंट ऑनर नहीं हुई बिकॉज अच्छा ड्रॉई बैंक के पास इकलौता रीजन पैसे मना करने का वो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ोगे, ड्रॉई बैंक पेमेंट करने से मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कहेगा अभी नहीं है बाद में ले लेना, उसे मेरे ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा एज लॉन्ग एज मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है। इकलौता कारण जब वो मेरे चेक को ऑनर करने से मना कर सकता है वो तभी है अगर मेरे सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, यानी अगर उसे ऑथेंटिसिटी पे शक है, या मेरे बैंक में पैसे नहीं है, या वो बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने फ्रीज कर रखे हैं। कई बार अकाउंट सीज हो जाते हैं ना, तो या तो उसने वो फ्रीज कर रखे, अगर वो अवेलेबल फंड है उसे ऑनर करना पड़ेगा, राइट? अच्छा यहां पर रिस्क क्या है इस सारे प्रोसेस में? ये जो मैंने पूरी कहानी बताई इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि रामलाल एक बार चेक लेके जा रहा था, रामलाल जैसी चेक लेके जा रहा था गलती से रामलाल से हाथ से वो चेक गिरा, आपको वो चेक मिला, आपने देखा और आप भाग के पीएनबी बैंक अकाउंट में गए पैसे विड्रॉ करे, जब तक रामलाल को पता लगा कि चेक गुम हो चुका है तब तक आप पैसे लेके
उड़ चुके। यानी अगर ये चेक वैसे छोड़ दिया जाए तो ये चेक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो चलता फिरता मनी है। और ये अगर गुम हो गया तो आपको तो रातों को नींद नहीं आएगी। अब इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, उस मन को काट देना, बेरर को काट, अकाउंट पे ही तक आ रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, बेरर, क्योंकि आपने ना दो एक्सट्रीम स्टेजेस बढ़ी हुई है प्रैक्टिकली, बेरर या अकाउंट पे ही, बीच में भी कुछ स्टेजेस आती हैं, वो एक एक करके चल रहे हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, बेरर काट देंगे। जब भी चेक इशू करो, वैसे तो आप में से काफी लोगों ने जिंदगी में अब तक चेक काटा ही नहीं, सर बैंक अकाउंट ही नहीं हमारा तो है, जनधन वाला होगा, जीरो वाला है ना, तो चेक काटो ना फिर मेरे नाम। कल सबका प्रैक्टिकल, सारे चेकबुक लाएंगे और चेक काट के देंगे और फिगर नहीं लगेंगे। चेक मिल जाएगी, चेकबुक मिल जाएगी, मैं अप्लाई करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, अब जब भी आप चेक काटोगे, पहली चीज जो आज की डेट में आपको प्रैक्टिकली करना है वो बेरर वर्ड को काटना है। बेरर वर्ड को काटना क्यों है, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल आप इस बेरर वर्ड को काटोगे, ये वर्ड ये प्योरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन के रहेगा। यानी इसका जो होल्डर है वो आपके भी आप पे पेमेंट ले लेगा। जैसे ही आपने इसको कट कर दिया, अब ये बन गया ऑर्डर्ड चेक। ऑर्डर्ड चेक मतलब अब पंजाब नेशनल बैंक को जब आपने ऑर्डर दिया ना, आपने कहा बेरर को पैसे नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ किसको देने हैं, रामलाल को देने हैं। अब रामलाल के जब जाएगा तो रामलाल को कहेगा प्रूव करो कि तुम रामलाल हो। मगर यहां भी एक दिक्कत है, रामलाल एक नहीं है, रामलाल बहुत सारे हैं इस देश में, एक ही नाम के बहुत सारे लोग हैं। और छोड़ो, हमारे बैच में कितने सारे लोग हैं, एक ही नाम के लोग मॉर्निंग में भी हैं, इवनिंग में भी हैं। डांटना किसी और को होता है, डांट पड़ जाती है किसी और को। अभी आज ही हुआ, आज एक एक करके पेशी हो रही थी हर किसी की साइज सर के सामने डांट खाने के लिए। वो बेचारा एक बच्चा आया, 15 मिनट तक डांट भी खाता रहा, लास्ट में कहता सर मेरा नाम नहीं है। वाह, और डांट क्यों खा रहा था, सर मेरा नाम भी आएगा। मैंने कहा पहली खा लूं। तो नाम की बड़ी दिक्कत है, नाम पे रिलाई नहीं कर सकते, अभी भी रिस्क है। इसका बेस्ट तरीका क्या है, देखो इससे बचना है तो यहां पे प्रॉब्लम ये है, कैश इन्वॉल्व है। और जैसे ही जो गलत बंदा अगर कैश ले जाएगा तो वो भाग जाएगा। इसका बेस्ट तरीका है आप एक मनी ट्रेल छुड़वा दो। और मनी ट्रेल तभी होगी अगर पंजाब नेशनल बैंक किसी को कैश में पेमेंट ही ना करे। वो पेमेंट कहां पे करे, किसी के बैंक में करे। इसके लिए आप दो लाइनें डाल देते हो, यहां पे अकाउंट पे ही तक भी नहीं आया अभी मैं, दो लाइन डाल देते हो। दो लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइन का मतलब होता है डोंट मेक द पेमेंट ऑफ दिस चेक इन कैश, द ओनली वे पीएनबी, आई एम ऑर्डरिंग पीएनबी, द ओनली वे यू कैन मेक पेमेंट ऑफ दिस चेक इज बाय क्रेडिटिंग इट टू द अकाउंट ऑफ सम अदर पर्सन। एंड मैंने किसको बोला है, रामलाल को। अब ये बैंक, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो चेक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। रामलाल चाहे तो इस, देखो आज की डेट में किसका हक है इसके ऊपर, रामलाल को। ये बैंक किसके अकाउंट में जाएगा, रामलाल के। रामलाल अगर चाहे तो इस चेक के पीछे लिख देगा एंडोर्स्ड टू श्यामलाल, और नीचे क्या करेगा, अपने साइन कर देगा। ठीक है जी, अच्छा ये तो मेरी है, रामलाल के साइन कर देंगे। ठीक है, रामलाल ने एंडोर्स किसको कर दिया, श्यामलाल को। नाउ व्हाट विल हैपन इज, मैंने किसको पे बनाया था, रामलाल को। रामलाल ने अपने सारे राइट्स किसको दे दिए, श्यामलाल को। अब पीएनबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वो किसको पैसे देगा, श्यामलाल के। मगर ये बैंक अकाउंट में जाएगा श्यामलाल के, उसको कैश में नहीं जाएगा। यानी कि जस्ट बाय ड्रॉइंग टू लाइंस यू डोंट स्नैच अवे द नेगोशिएबिलिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट विल स्टिल बी पेड टू दी अल्टीमेट एंडोर्सी। इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के डीप में मैं नहीं जा रहा, ये सारे सी एंटर के टॉपिक है। एंडोर्सर हो गया रामलाल, एंडोर्सी हो गया श्यामलाल। जो बंदा पे ही है वो किसी और बंदे के लिए एंडोर्सर हो सकता है। इन वर्ड्स में मैं फोकस इसलिए नहीं कर रहा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लास्ट चीज है जो आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो, अकाउंट पे ही। अकाउंट पे ही से क्या होता है, आप उस बंदे को कहते हो, अपने बैंक को बोलते हो, जिसको मैंने पे ही बनाया है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट में डालोगे। यानी कहीं ना आपने एक चेक से उसकी नेगोशिएबिलिटी को ही छीन लिया। अब उस नेगोशिएबिलिटी को इसलिए छीन लिया क्योंकि पहली बात तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा, और किस में जाएगा, पे ही में जाएगा। यानी अब तो आपने एक स्पेसिफाइड ऑर्डर दे दिया कि अब ये रामलाल के पास ही जाएगा। यहां तक समझ में आया, अलग अलग तरह के चेक मैंने समझा दिए जल्दी में, बाकी अलग अलग तरह की क्रॉसिंग डिटेल में सी एंटर में पढ़ना। बेरर एंड कंपनी नाम का भी एक होती है, दो लाइंस होती है, कई बार दो लाइंस के बीच में एक बैंक का नाम लिख दिया जाता है, और लास्ट मैंने क्रॉसिंग बताई, दो लाइन के बीच में क्या लिख दिया जाता है, अकाउंट पे। एक होता है दो लाइन डाल के लिख दिया जाता है नोट नेगोशिएबल, वो भी एक क्रॉसिंग होती है। सब डिटेल में हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, इंटर के सिलेबस में है, लॉ के पेपर में। अब मुझे ये बताना है, अब मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यहां तक तो मैंने आपका बेस बनाया। अब रामलाल अपने बैंक के पास गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, और उसने कहा ये पकड़ो चेक,
स्टेट बैंक ने बोला, मैंने तुम्हें बोला था पीएनबी जाओ, वो कह रहा देखो जी अकाउंट पे ही चेक लिखा है, इतनी लॉ हमें भी पता है, ये मेरे को कैश में नहीं मिलेगा, ये अकाउंट ये चेक पकड़ो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा मगर संचित ग्रोवर तो हमारे पास है ही नहीं, संचित ग्रोवर का अकाउंट तो किस में है, पीएनबी के पास। वो कह रहे तुम जानो, मेरे को तो पैसे चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीएनबी को फोन किया, वो कह रहा तुम्हारे नाम का एक चेक आया है, वो कह रहा बिल्कुल आया होगा, वो कह रहा ऐसा कर शाम को मिलियो मेरे को। शाम को सारे के सारे बैंक्स एक जगह मिलके बैठे, उस जगह का नाम था क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में देखो दिन में ऐसा हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक, इन सारे ड्रॉई बैंक्स के चेक आए, उल्टा भी हो सकता है पीएनबी के पास कोई चेक आया होगा जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ड्रॉई बैंक। अच्छा ये जो रामलाल का बैंक है ना, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक का रोल क्या है, सिर्फ पैसे इकट्ठे करके देना। अब ये क्लियरिंग हाउस में क्या होगा, एक तरफ से आएगा पीएनबी, एक तरफ से आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपस में पैसे एक्सचेंज करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से पैसे लेकर पैसे दे देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक इंडिया क्या करेगा पैसे डाल देगा किसके अकाउंट में, रामलाल को। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लियरिंग। चेक्स क्लियर होने गए हैं, चेक्स क्लियर होने की कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब एक से ज्यादा बैंक इन्वॉल्व है। व्हेन द ड्रॉई बैंक एंड द कलेक्टिंग बैंक आर टू डिफरेंट बैंक्स, देन द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग टेक्स प्लेस अंडर विच द कलेक्टिंग बैंक ऑफ द पेई पर्सन विल कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द पेई। जैसी वहां से उसने कलेक्ट किया, ड्रॉयर के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और पेई के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ज्यादा क्लियर है? अच्छा कई बार दिक्कत क्या आती है, अच्छा ये क्लियरिंग हाउस का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है हमारे देश में, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग हाउस होता है। आप आरबीआई के फंक्शंस पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, तो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन, आरबीआई इज अ क्लियरिंग हाउस। अब आज की डेट में क्या होता है, लेट अस सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह होती है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या हर जगह हर सिटी के अंदर है या नहीं है? नहीं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और पीएनबी हो सकता है उस सिटी में हो ही ना, पीएनबी तो हो मगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ना हो हर जगह। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्योंकि एक फॉरेन बैंक है तो उसे वो सिर्फ मेट्रो सिटीज में है, वो छोटे छोटे गांवों के अंदर नहीं गया, तो यहां पर ना दोनों क्या करेंगे, आउट स्टेशन हो जाएंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड को पीएनबी बोलेगा तुम इस चेक को कुरियर कराओ, मैं इस चेक को चेक करूंगा फिर तुम्हें पेमेंट रिलीज करूंगा। ये कुरियर कुरियर खेलने में एक हफ्ता चला जाएगा। That is the main reason, जब आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पढ़ते हो ना तो वहां एक आपको चीज आती है, चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर। ये चीज क्या होती है कि रामलाल ने अपने बैंक में जाके चेक दे दिया, वो खुश होकर अपनी कैश बुक में उसने एंट्री बैंक बुक में एंट्री कर ली, मगर उधर से वो पैसा अभी आया नहीं क्योंकि वो चेक अभी कहां पर है, क्लियरिंग में है। ये पुराने जमाने में होता था क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट होता था। नाउ थिंक ऑफ मॉडर्न डे, अगर आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोले आपका पैसा ना 10 दिन बाद आएगा क्योंकि मैंने चेक की कॉपी को कुरियर किया है, वो कहेगा यार मजाक कर रहे हो तुम, यहां पर सेकंड से पहले व्हाट्सएप चला जाता है, तुम मेरे चेक को कुरियर कर रहे हो, ये तो बिल्कुल पुराना तरीका है। तो आरबीआई ने इस तरीके को कैंसिल कर दिया, ये तरीका खत्म हो गया। अब आप कहोगे 10 मिनट बाद तो कुछ आपने सिलेबस वाली चीज पढ़ाई, वो भी कहां खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं, ये सारा सिस्टम खत्म हो चुका, फिर भी आपकी किताब में दे रखा है इसलिए मैंने पढ़ा दिया। आज की डेट में शुरू होता है ई क्लियरिंग हाउस। आज की डेट में सारे बैंक्स का टाइम नहीं है कि वो बैठेंगे एक जगह पे, वहां पर क्या होता है जो भी चेक होते हैं ना उन चेक की स्कैन कर लिया जाता है। स्कैन ये वो वाला स्कैन नहीं होता जो आप स्कैन करते हो, पूरी पिक्चर क्रिएट कर देते हो उस प्रोडक्ट की। आपने कभी ध्यान दिया हो तो चेक्स के ऊपर एक बार कोड होता है, वो सारी चीज ना वो बारकोड के बेसिस पर रीड हो जाती है। तो ये जो चेक्स रीड होते हैं ना, इन चेक्स के बाद उनके बोलती है ट्रंकेटेड कॉपी ऑफ चेक। आपके चेक्स किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ट्रंकेटेड चेक्स में। दैट इज द डिजिटल चेक जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है चेक की, वो कागज का टुकड़ा बेकार हो गया। ट्रंकेटेड चेक कहां भेज दिए जाते हैं, ई क्लियरिंग हाउस में। दैट इज वाई आजकल आप देखोगे चेक की पेमेंट एक दिन के अंदर अंदर रिलीज हो जाती है, कई बार तो सेम डे रिलीज हो जाती है। अगर आप सुबह सुबह कर दो ना, सुबह सुबह वाले आर्स में अगर आप डिपॉजिट करा दो, शाम तक आपको पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि अब आज की डेट में फिजिकली वो फिजिकल क्लियरिंग हाउस में नहीं जाते, कहां जाते हैं, ई क्लियरिंग हाउस में जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हम आ रहे हैं अब कौन कौन से वर्ड्स हैं पढ़ने के लिए। आज पेज नंबर 106 पे सबसे पहला वर्ड है चेक, फिर है क्लियरिंग, फिर है क्लियरिंग हाउस। चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लिख लो अपने लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज बेसिकली अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द राइटर्स बैंक टू द रिसीवर ऑफ द चेक। राइटर का दूसरा नाम क्या होता है, ड्रॉयर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट राइटर वर्ड यूज नहीं करता, वर्ड क्या यूज करता है, वो ड्रॉयर, ठीक है जी।
क्लियरिंग, क्लियरिंग इज बेसिकली अ फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड एट द क्लियरिंग हाउस वेयर ऑल द अमाउंट ऑफ चेक इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट एंड देन एडेड टू द पेन्स अकाउंट. ये भी बड़ी सिंपल डेफिनेशन होगी. क्लियरिंग हाउस इज अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स मीट फॉर कंफर्मिंग एंड क्लियरिंग ऑल द चेक्स. चेक की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, चेक की स्पेलिंग ठीक कर लेना. एंड बैलेंसेज विद ईच अदर. क्लियरिंग हाउस इन मोस्ट कंट्रीज इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक. आप एक बार पेज के ऊपर लिख लो प्रैक्टिकली क्लियरिंग हाउसेज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ई क्लियरिंग हाउसेज. वेयर payments are processed on the basis of truncated copies of checks. मगर अब आपके बुक में क्लियरिंग हाउस की डेफिनेशन पुरानी वाली दे रखी है, फिजिकल प्लेस वाली, तो आपको पुरानी भी पढ़नी है. अरे रुक जा. हां जी, और क्या पढ़ना है इसके अंदर? एक और वर्ड है एक्सपायरी डेट. एक और वर्ड जो नीचे दे रखा है ई के अंदर देखो, एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी डेट क्या होती है? आपने बैंक को ऑर्डर दिया कि वो बैंक को जो आपने ऑर्डर दिया है वो इन्फिनिटी तक रहेगा, उसकी एक लिमिट रखेंगे ना, उस लिमिट के बाद वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा. इसके बोलते हैं मैच्योरिटी. जब एक इंस्ट्रूमेंट का एंड आ जाता है उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट या एक्सपायरी डेट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. हमारे देश में हर चेक की एक्सपायरी डेट बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 3 महीने. एक जमाना था 6 महीने थी, आरबीआई ने लास्ट टू लास्ट ईयर उसे कितना कर दिया है? 3 ईयर कर दिया है. अगर मैंने आज आपको चेक दिया और 3 महीने के अंदर अंदर आपने उस चेक को अपने यहां पर डिपॉजिट नहीं कराया तो वो चेक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सपायर. तो एक्सपायरी डेट, दिस टर्म इंडिकेट्स द वैलिडिटी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, एक वर्ड और जहां पर मैंने आपको बोला, जब रामलाल अपने बैंक में जाएगा चेक देने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो रामलाल क्या करेगा? चेक दे देगा सिर्फ जाके? नहीं. आप जब जाते हो कभी बैंक में गए हो चेक देने तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कराना है तो आप क्या करोगे? एक स्लिप मिली पड़ी होती है, उस स्लिप को प्यार से बोलते हैं पेन स्लिप या डिपॉजिट स्लिप. डिपॉजिट स्लिप में अगर आपको ध्यान हो तो आपके वहां पर ना बहुत करेंसी नोट्स लिखे होते हैं, 500 रुपीज के, 200 रुपीज के, 100 के, 2000 के. आप आगे नोट लिखते रहते हो, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखते हो और वो पेन स्लिप दे देते हो. मुझे बताओ पेन स्लिप पे वैसे अगर आप चेक लेके गए हो, चेक क्लियरेंस के लिए आपने डालना है, तो वो चेक की डिटेल डाल दोगे, अकाउंट नंबर लिखोगे अपना और बैंक को दे दोगे. मुझे एक बात बताओ, पे इन स्लिप पर क्या रामलाल के सिग्नेचर होने जरूरी है या नहीं है? सिर्फ नॉर्मल नॉलेज के लिए. अगर मान लो आप लोगों ने मुझे चेक दिया, एवीजे के नाम पर चेक दिया, एवीजे के बैंक अकाउंट का सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी मैं हूं, और अगर एवीजे का ऑथराइज सिग्नेटरी मैं हूं, तो क्या उस पेन स्लिप या डिपॉजिट स्लिप जिसके थ्रू आपका चेक मैं अपने बैंक में, मेरा अकाउंट यस बैंक के अंदर है एवीजे का, यस बैंक को जिससे मैं आपका चेक दे रहा हूं, क्या उसमें मेरे सिग्नेचर की जरूरत है? अगर मेरे सिग्नेचर की जरूरत होती तो मैं सारा दिन चेक लेके बैंक ही जाता रहता. मगर मैं नहीं जाता बैंक के अंदर, मैं बोलता हूं विनीत को भेजता हूं. मैंने कहा वेला बैठा कुछ तो करे. मैंने कहा यहां बैठ के भी तूने गाने सुनने, यहां बैठ के मोबाइल चलाना, वहां जाके चला लियो. क्या क्या पिट गया था क्या उस दिन? अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो मैंने अगर विनीत को भेज दिया तो क्या विनीत मेरे भी हाफ पर मेरे बैंक अकाउंट में चेक लगा सकता है? आंसर यस. अगर मैंने विनीत को पैसे दे दिए मेरे भी हाफ पे क्या डिपॉजिट करा सकता है? यस, क्योंकि पैसे डालते समय साइन की चेक नहीं जरूरत होती. हाँ, पैसे विड्रॉ करने हैं, विड्रॉल स्लिप पे मेरे सिग्नेचर चलेंगे. चेक ड्रॉ करना है मुझे मेरे बैंक अकाउंट से, उस पर सिग्नेचर कैसे चलेंगे मेरे? तो यहां पर एक वर्ड और पढ़ना है, डिपॉजिट स्लिप. अ डिपॉजिट स्लिप इज अ बिल ऑफ आइटमाइज्ड नेचर एंड डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ पेपर मनी कॉइन्स एंड द चेक नंबर्स. अगेन चेक की स्पेलिंग गलत दे रखी है, दैट आर बींग डिपॉजिटेड इन टू अ बैंक अकाउंट. ठीक है जी, इसको हम प्यार से पे इन स्लिप भी बोलते हैं. ठीक है, एक वर्ड और हमारा आएगा, पेज 105 पर आओ. एक वर्ड और कौन सा है हमारा? बाउंस चेक. बाउंस चेक,
bounced check. A bounced check is nothing but an ordinary bank check that any bank can refuse to encash or pay because of the fact that there are no sufficient finances in the bank account of the originator or the drawer of the check or some other valid reason. इसे बोलते हैं चेक का डिसऑनर हो जाना. मैंने आपको चेक इशू किया, आप चेक लेकर गए और चेक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. आप क्या करोगे अगर चेक डिसऑनर हो गया तो? अपार्ट फ्रॉम गाली देना क्या दोगे? आप घर पे केस करोगे. अच्छा, ये केस जो आप मेरे पे करोगे सिविल सूट होगा क्रिमिनल सूट होगा? सिविल सूट में आप करोगे. मगर हमारे देश में चेक्स पे विश्वास बढ़ाने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन डाला गया, मुझे एग्जैक्ट सेक्शन याद नहीं है. वहां पर लिखा गया अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो सामने वाले बंदे को जेल भी हो सकती है. अगर वो रीजनेबल रीजन ना बताए कि चेक डिसऑनर क्यों हुआ है, उसको जेल भी हो सकती है. दैट इज वाई चेक डिसऑनर नहीं होने देते. प्रैक्टिकली आपके बैंक्स के पास साथ आपका इतना अच्छा रेपो होता है, कभी बाय चांस आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है ना, आपके बैंक वाला आपको फोन करके बोल देता है एक चेक आया आपके नाम, आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो आप सामने वाले को बोलते हो चेक अभी साइड में रख दे, मैं शाम तक पैसे डलवा रहा हूं, शाम को जाकर इस चेक को पेमेंट क्लियर करियो. क्योंकि अगर उसने पेमेंट ऑलरेडी दिखा दी कि सुबह सुबह ये चेक आ गया क्लियरिंग के लिए, तो सुबह सुबह वो चेक को डिसऑनर करना पड़ेगा. एंड जैसे डिसऑनर करोगे आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है. सो दैट इज वाई कोई भी बंदा बाउंस्ड चेक के लिए बड़ा ध्यान रखता है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप आज की डेट में तो आप अपनी फीस वगैरह जब आईसीआई को पे करते हो ऑनलाइन पे करते हो, पहले के जमाने में आपके अटेम्प्ट से हुआ ऑनलाइन पेमेंट मैंडेटरी हो गई है, पहले लोग क्या करते थे, आईसीआई आपसे ड्राफ्ट मांगता था. तो मेरा क्या सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डीडी यानी कि ड्राफ्ट एंड अ चेक? चेक तो एक ड्राफ्ट जो होता है वो डिसऑनर नहीं हो सकता. डिसऑनर नहीं, बिल्कुल सही, ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं हो सकता. रीजन, ड्राफ्ट प्रीपेड होता है. ड्राफ्ट इज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, चेक इज अ पोस्टपेड इंस्ट्रूमेंट. चेक के ऊपर जब चेक प्रेजेंट होगा तब डिसाइड होगा कि सामने वाले के पास पैसे हैं तो ऑनर हो गया, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिसऑनर. अगर आप आईसीआई कभी भी अपनी पेमेंट ना चेक से नहीं लेता क्योंकि उसको डर है आप चेक से पेमेंट दे दो उसने आपका एडमिशन कर दिया चेक डिसऑनर हो गया, तो वो बैठ के सारे दुनिया पे केस करता रहेगा. मान लो हर साल 5 लाख बच्चा उसके साथ एडमिशन कराता है, उस 5 लाख में से 5,000 चेक भी डिसऑनर हो गए, उसको पूरा एक डिपार्टमेंट बिठाना पड़ेगा उन बच्चों के चेक वापस मांगने के लिए जो डिसऑनर हो गए. इसलिए ऐसे ही पंगे में नहीं पड़ता, वो कहता है डीडी लाओ. डीडी में क्या होता है, आप पहले ही जाकर अपने बैंक को पैसे दे देते हो, आप कहते हो मेरे बैंक अकाउंट से या फिर इस कैश के थ्रू मेरे को 50,000 का डीडी बना दो. नो, डीडी इज ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, उसके अगेंस्ट बैंक को पैसे ऑलरेडी दे दिए गए हैं. डीडी कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता, ठीक है जी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डीडी. यहां पर एक वर्ड दे रखा है कैशियर चेक, डीडी तो नहीं दे रखा, कैशियर चेक दे रखा है. पहले डेफिनेशन पढ़ो, पहले डेफिनेशन पढ़ते फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा. द कैशियर चेक इज ड्रॉन बाय अ बैंक ऑन इट्स ओन नेम to make payment to other organization, bank, corporation, etc. क्या ये DD जैसा हो गया या नहीं हो गया? बैंक ने आपसे 50,000 रुपए लिए और अपने ऊपर एक ऑर्डर दे दिया कि मेरी कोई भी ब्रांच में जो भी बंदा इस DD को प्रेजेंट करेगा वो मुझसे 50,000 रुपए ले लेगा. दिस कैशियर चेक वॉज नथिंग बट ए DD ओनली. आज की डेट में कैशियर चेक खत्म हो गए हैं, आज की डेट में डिमांड ड्राफ्ट आते हैं. तो ये जो वर्ड आपकी बुक में दे रखा है ना, ये पुराना दे रखा है. आप आज के डेट लिख दो इन प्रेजेंट डे दे आर कॉल्ड डीडी, मगर ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. सिर्फ बैंकर चेक अलग होता था, वो इंटर बैंक ट्रांसैक्शन के लिए हुआ करता था. इन प्रेजेंट डे दे आर नॉट प्रिविलेंट, मगर आपको क्या लेना देना है, आपको वही वर्ड पढ़ना है. सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कैशियर चेक आज की डेट में नहीं होते. सो चेक का टॉपिक करके हमने कौन कौन से वर्ड कवर कर लिया, चेक, क्लियरिंग, क्लियरिंग हाउस, एक्सपायरी डेट, बाउंस्ड चेक, डिपॉजिट स्लिप और कैशियर चेक. 8 वर्ड हमारे इस सारे डिस्कशन से कवर अप हो गए. एक और वर्ड आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, LC. इसका क्या मतलब है? अगर आपने रिसेंटली सुना हो नीरव मोदी स्कैम के बारे में, चौकसी स्कैम के बारे में, उसके अंदर ये वर्ड इन्वॉल्व था, लेटर ऑफ क्रेडिट. प्यार से बोलते हैं LC. अब ध्यान से सुनो LC होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा नीरव मोदी स्कैम के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इनिशियली क्या हुई थी. मुझे आज की डेट में नहीं पता वो केस कहां पहुंचा है, जब तक न्यूज़पेपर उस केस को कवर कर रहे थे क्या आर्ग्यूमेंट्स लोग कह रहे, जो कह रहे थे स्कैम हो गया वो क्या आर्ग्यूमेंट्स ले रहे थे और नीरव मोदी की क्या आर्ग्यूमेंट्स थी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अदर साइड टू दिस स्टोरी. पहले समझो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है. ए है, एक है बी.
ए रहता है यूएस के अंदर, ये है फिरंगी, ये है देसी बंदा हमारा इंडिया के अंदर। बी ने ए से सामान मंगवाया, उसने कहा मैं तुमसे कुछ गुड्स इंपोर्ट करना चाहता हूं और इंपोर्ट करने वाले गुड्स की कीमत है 25 लाख रुपए। ऑफकोर्स पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होगी, मगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 25 लाख बोल रहा हूं। ए ने बी को बोला ठीक है पहले 25 लाख भेजो तब मैं गुड्स भेजूंगा। बी ने कहा मजाक कर रहे हो, पहले तुम गुड्स भेजो तब मैं 25 लाख भेजूंगा। वो कह रहा है मुझे तुम पे विश्वास नहीं, वो कह रहे तुम्हारे पे भी कोई विश्वास है नहीं वैसे ज्यादा। तो आज की डेट में किसी को किसी पे विश्वास नहीं इंटरनेशनल ट्रेड में। रीजन क्या है कि ये अलग लीगल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये अलग लीगल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। कल को दिक्कत आ गई, यूएस वाला बंदा बी पे केस डालेगा तो आपको पता है हमारे देश में जुडिशरी कितनी फास्ट है, अगले दिन डिसीजन आ जाता है। तो वो इंडिया की जुडिशरी की फास्ट स्पीड से डर रहा है, और बी कह रहा है भाई मैं अगर मुझे यूएस के अंदर केस डालना पड़ा मैं लॉयर कहां से लाऊंगा, इंटरनेशनल लॉयर तो चाहिए होगा ना जो यूएस में मेरे भी यहां पर केस डालेगा। तो दोनों डर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं, ट्रस्ट की बहुत कमी है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप पे लॉ अलग लगता है, मेरे पे लॉ अलग लगता है, वी कम इन टू डिफरेंट टेरिटरीज ऑल टुगेदर। मगर एक को हमने एक पूछा तुम्हें किस पे विश्वास है, एक कहता है मुझे मेरे बैंक पे विश्वास है। मैंने कहा तुम्हारा बैंक कौन सा है, वो कहता है बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, बैंक ऑफ अमेरिका पे विश्वास है। बी कहता है मुझे विश्वास है अपने ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। उसने पीएन पे विश्वास किया, उसने किस पे विश्वास किया, बैंक ऑफ अमेरिका पे। तो ए ने कहा देख ऐसी बात कर, तुम अपने बैंक को बोलो कि वो मेरे बैंक को एक गारंटी दे दे। मैंने कहा कैसी गारंटी, वो गारंटी में ये लिखा होगा कि अगर तुम मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे भी आप पर पीएनबी किसको पेमेंट करेगा, मेरे बैंक को, बैंक ऑफ अमेरिका। इसे बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट अपने आप में पंजाब नेशनल बैंक ने एक अंडरटेकिंग ली है, एक ऑब्लिगेशन लिया है, अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो इसकी जगह पेमेंट कौन करेगा, पीएनबी करेगा। मुझे बताओ पीएनबी ने जब ये अंडरटेकिंग, ये ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट किया, ये पीएनबी की एक्चुअल लायबिलिटी है या कंटिंजेंट लायबिलिटी है? आई होप आप सबको इतना तो बता होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, उसे आप फुटनोट्स में दिखाते हो अकाउंट्स में। इट इज नॉट एक्चुअल लायबिलिटी, इट मे अराइज, इट मे नॉट अराइज, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इफ बी मेक्स द डिफॉल्ट पीएनबी विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट। अच्छा ये रिस्क जो पीएनबी ने लिया है इसके बदले में पीएनबी बी से क्या लेगा, एक तो वो लेगा सिक्योरिटी कोई ना कोई। टिपिकली क्या होता है, आपका जिस बैंक के साथ करंट अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है वो आपके एवरेज बैलेंस के बेसिस पर एलसी इशू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऑन एन एवरेज आपके करंट अकाउंट में इतने पैसे हैं, कुछ हद तक सेफ्टी है। कुछ लोग, कुछ बैंक क्या कराते हैं आपसे एफडी रखवा लेते हैं, कुछ बैंक मॉर्गेज के रूप में कुछ और रखवा लेते हैं ताकि वो सेफ्टी है, कल को मुझे पेमेंट करनी पड़ गई तो मैं तो आपसे रिकवरी कर सकूं। और इसके लिए वो एलसी चार्जेस भी लेते हैं। एलसी चार्जेस मतलब तुम्हारे लिए मैं बाहर दुनिया को वादे करता फिर रहा हूं, इस वादा करने के पैसे भी तो दो, क्योंकि दुनिया तुम्हें सम्मान इसलिए भेज रही है, उनको तुम पे विश्वास नहीं, किस पे विश्वास है, मुझ पे विश्वास है। ठीक है, अब नीरव मोदी वाले केस में क्या हुआ था, नीरव मोदी वाले केस में ऐसा पाया गया था पीएनबी पिछले 8-10 साल से नीरव मोदी की जितनी भी इंपोर्ट्स आ रही हैं उनकी एलसी कंटिन्यूअसली इशू कर रही है, मगर पाया गया कि उसके अंडरलाइन कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी एसेट्स नहीं है, जिसकी वजह से पीएनबी ने आरबीआई के नॉर्म्स को वायलेट करके अपने ऊपर बहुत बड़ा एक्सपोजर ले रखा था। और ये 10 साल तक ये चीज ऊपर इसलिए नहीं आई क्योंकि नीरव मोदी अपनी पेमेंट करता रहा। नीरव मोदी ने कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने दी कि पीएनबी को पेमेंट करनी पड़े, मगर पीएनबी के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी। जब ये केस आया तब ऐसा कहा गया, नाउ एलिगेशन ये है कि नीरव मोदी उस समय वो और उसके फैमिली मेंबर्स देश छोड़ के पहले चले गए क्योंकि उनका पूरा प्लान था अब वो अपने इंपोर्ट में क्या करने वाले थे, डिफॉल्ट करने वाले थे, जिसकी वजह से वो सारी ऑब्लिगेशन किस पे आ जाती, पीएनबी, और पीएनबी अपनी ऑब्लिगेशन से मुकर नहीं सकता, उसको तो बैंक अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका को पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी पीएनबी के पास रिकवरी करने के लिए कोई सिक्योरिटी थी नहीं, पेमेंट उसको करनी पड़ जाती, तो ये एक स्कैम का रूप दे दिया गया। नीरव मोदी का काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर आप पढ़ो, नीरव मोदी का ये कहना है कि तुम्हें किसने बोला मैं पेमेंट नहीं करने वाला था, जस्ट बिकॉज मैं फॉरेन चला गया, फॉरेन तो मैं यूजुअली जाता रहता हूं, तो फॉरेन मैं इसलिए नहीं गया, मैं भाग रहा हूं, मैं तो वापस आने वाला था, मगर मैंने आज से 10 साल पहले तक पेमेंट करता आ रहा हूं, व्हाट इज द रीजन टू बिलीव कि मैं ये वाली पेमेंट नहीं करूंगा। देखो एक चीज अलग है कि एलसी गलत इशू हुए हैं, रिश्वत के लाकर बिना नॉर्म्स वालों की एलसी खोल दिए गए, वो एक अलग चीज है, मगर नीरव मोदी ने काउंटर आर्ग्यूमेंट लिए लिया क्या मेरी वजह से पीएनबी को कोई नुकसान हुआ,
आज तक नहीं। और वो कह रहा है आज भी इसलिए नुकसान हुआ, उसने मीडिया के बारे में लिखा, वो कह रहा है इस देश में मीडिया के कोई एथिक्स नहीं है, तुमने बिना चेक करे मेरे अगेंस्ट स्टोरी चला दी जिससे मेरे शेयर्स की वैल्यू बहुत नीचे गिर गई, मुझे माल्या से कंपेयर करके एक भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया कि ये बंदा तो देश के लूट के भाग गया। कह रहे कहां लेके भागा मैं, कुछ भी आपके दिमाग में मीडिया पिक्चर कैसे दिखाती है, उसने बोरी में पैसे भरे, बोरी ऐसे लेके भाग रहे हो, ऐसे होता है क्या स्कैम आजकल? नहीं, नीरव मोदी कह रहा है मैं क्या लेके भागा, कुछ भी नहीं। और कह रहा है अगर तुम ये नेगेटिव पब्लिसिटी मेरी ना करते तो मेरे पास पैसे होते, मगर तुम्हारी नेगेटिव पब्लिसिटी के चक्कर में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब हो गई है कि मैं अपने एलसी को ऑनर नहीं कर पा रहा। यानी इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई कल्प्रिट है, उसने सारा बर्डन डाल दिया मीडिया पे। और आपको पता है मीडिया हमारे देश में दुनिया को पाठ पढ़ाती है, खुद तो बर्डन लेती नहीं है। वो कह रहे यार ये क्या बात हुई है, उन्होंने और ज्यादा कैंपेन शुरू करा दिया। तो अगर आप ध्यान से स्टोरी के अंदर जाओ ना, जितना मुझे समझ में आया, मैं डिटेल में आई मे बी रॉन्ग, शायद इरेगुलरिटीज हो, जितना मुझे प्राइमा फेसाई समझ में आया, नीरव मोदी इतना बड़ा कल्प्रिट नहीं है जितना उसको दिखाया जा रहा है। इट इज अ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कि आपने रिश्वत देके एलसी खुलवा ली है, टू दैट एक्सटेंट की रिश्वत तो हमारे देश में हर कोई कर रहा है, मगर टू से कि वो एक स्कैम करके भाग गया या समथिंग, वो उसने तब तक डिफॉल्ट नहीं किया था जब तक ये न्यूज बाहर नहीं आई। नो ये कहना कि उसका डिफॉल्ट प्लान था या नहीं था, इट इज समथिंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मगर एलसी, मैं आपको इस सारे एग्जाम्पल से समझाना ये चाहता हूं कि एलसी इज नॉट समथिंग विच इज अ liability for a bank, it is a contingent liability for a bank, it will arise, till that time Nirav Modi ki LCs PNB ke bank ki balance sheet mein bhi nahi aa rahi thi, wo uske footnotes mein padhi hoengi kahin pe, yani ek cheez jo PNB ke footnotes mein padhi hai usko lekar itna bada hua hai, kyunki jaise hi wo liability trigger hui wo cheez footnotes se uthke kahan par aa gayi, लाइबिलिटी। अच्छा आप जब लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो डेबिट किसको करोगे, पीएनएल को डेबिट करोगे, क्योंकि आपको पैसा तो आने नहीं वाला, सिक्योरिटी तो है नहीं। तो पीएनबी को नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि वो कंटिजेंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट सिक्योरिटी थी नहीं और वो पेमेंट करनी पड़ गई, वो सारा हिट पीएनबी को किस पे लेना पड़ा, आपने पीएनएल अकाउंट पे दिया। अच्छा अब जब पीएनबी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है ना, वो एक ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए कई बार इसको प्यार से क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेंसेस। कभी भी आप किसी बैंक की बैलेंस शीट देखोगे ना, अगेन बैंक की बैलेंस शीट अभी देखोगे समझ में नहीं आएगी, इंटर में एक चैप्टर आएगा अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, उसके बाद जाकर वो बैलेंस शीट समझ आने लगेगी। उसके बाद भी कभी बैंक ऑडिट के अंदर आर्टिकल शिप में जाओ और बैंक की बैलेंस शीट देखोगे और ढूंढने बैठ जाओ एलसी का है, एलसी का है, तो कहां मिलेगी एलसी, ये मेन बैलेंस शीट में नहीं आएगी, कहां पर आएगी, डिस्क्लोजर्स के अंदर आएगी। और वहां पर भी वर्ड पता क्या लिखा होगा, एलसी नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एक्सेप्टेंसेस। मगर ध्यान देना एलसी और एक्सेप्टेंसेस दोनों सिनोनिम्स नहीं है, acceptances word is much wider in scope as compared to LC, क्योंकि acceptances means any document जिसको bank sign करके अपने ऊपर कोई obligation ले रहा है। bank अगर आपकी guarantee ले रहा है किसी loan के अंदर, वो भी क्या है bank के लिए, acceptance। bank अगर LC issue कर रहा है, वो भी क्या है, acceptances। और भी अलग अलग तरह के foreign exchange के अंदर bank guarantees लेता है, वो सारी चीज क्या है, acceptances है। ठीक है जी, तो हमारे पास words पढ़ने के लिए कौन कौन से हो गए, आ जाओ बुक में, पहले L के अंदर आओ, L में पेज 106। अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बायर और द इंपोर्टर स्टेटिंग इट्स कमिटमेंट टू पे अ थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी कौन होती है, यूजुअली सेलर या फिर उस कंट्री का एक्सपोर्टर, अ स्पेसिफाइड अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय इट्स कस्टमर, उसका कस्टमर कौन है, हु इज द बायर, एंड seller has to meet the conditions in the document and submit the relevant documents in order to receive the payment. Letter of credits are mainly used in international trade. LC ho gayi. Similarly, page 105 par aao, wahan par word de rakha hai acceptances. Acceptance, which is also known as a banker's acceptance, is a signed instrument of acknowledgement that indicates the approval and the acceptance of all the terms and conditions of any agreement on behalf of बैंकर। आप यहां पर लिखोगे एक्सेप्टेंस इज मच वाइडर इन स्कोप, एक्सेप्टेंस इज मच वाइडर इन स्कोप एज कंपेयर्ड टू एलसी। देखो एलसी इज ओनली अ टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट एलसी इज ओनली अ टाइप ऑफ एक्सेप्टेंसेस। सर बाकी एक्सेप्टेंसेस कौन सी होती हैं, अगेन एट दिस लेवल
अगर मैं वो वर्ड्स यूज करूंगा आपको समझ में नहीं आएंगे। टाइप बी ए सिक्योरिटीज, टाइप बी सिक्योरिटीज, टाइप सी, वहां पे ना आरबीआई ने वर्ड्स यूज कर रखे हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, और इन सब की ना आरबीआई की डायरेक्शंस में एक बकायदा डेफिनेशन है। तो जब आप बैलेंस शीट में देखोगे ना एक्सेप्टेंसेस कभी भी बैंक की, उसके अंदर पांच छह बायफर्केशंस होती हैं। तभी मैंने अभी आपको क्या लिखवा दिया, एक्सेप्टेंसेस में एलसी इज वन ऑफ द टाइप, गारंटी इज अनदर टाइप, देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंसेस। यहां पर एक और वर्ड है एक्सेप्टिंग हाउस। ये क्या होता है एक्सेप्टिंग हाउस? एक ऐसा हाउस होता है, एक ऐसी ब्रांच होती है किसी बैंक की, जिसका काम ही क्या होता है एक्सेप्टेंसेस लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना, एलसी एक्सेप्ट करना। यूजुअली फॉरेन करेंसी ब्रांच होती है ना जो किसी बैंक की, वो डील करती है। कई बार एक ऑल टुगेदर इंस्टीट्यूशन ही यही होता है जिसका काम ही यही होता है, जिसका फुल टाइम बिजनेस क्या है वो एलसी और बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है, यानी उसका काम क्या है वो लोगों से कमीशन लेकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी लाइबिलिटीज को अपने सर पे कंटिंजेंट वे में ले लेता है। तो एक्सेप्टिंग हाउस इज अ बैंकिंग और अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइजेज इन द सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड गारंटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमारी इस सारी डिस्कशन में तीन वर्ड कवर हो गए, एलसी, एक्सेप्टेंसेज और एक्सेप्टेंस हाउस। एक वर्ड और जो मुझे पढ़ाना है उसका मतलब है एडीआर। एडीआर क्या है, वर्ड सुने कभी पहले? ये 12th क्लास में पढ़ा होगा। एक वर्ड होता है जीडीआर, एक वर्ड होता है एडीआर। एडीआर स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और जीडीआर स्टैंड्स फॉर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब आईडीआर भी होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, तीनों मतलब समझा देता हूं। आईडीआर सिलेबस में नहीं है, जीडीआर भी सिलेबस में नहीं है, बट बात चल रही है तो समझा ही देता हूं। क्यों समझा देता हूं, देखो जब आपने जब 11th 12th क्लास जब भी इसको पढ़ा होगा ना, अगेन आपको तीन या चार लाइनें लिख रखी होंगी जिसके अंदर समझा दिया होगा, और उस समय टीचर ने डिटेल में कहा होगा ये ना फॉरेन करेंसी में पैसा लेने का एक तरीका होता है, एक दिस इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन कंपनीज इशू करती है ताकि फॉरेन से पैसा ले लें। कैसे ये नहीं बताया, क्यों उस समय आपको समझ में नहीं आता, और कई बार टीचर कहते हैं मुझे कौन सा आता है, सीधी सी बात है। 11th क्लास के टीचर, यू डोंट एक्सपेक्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी 11th क्लास टीचर, सो टिपिकली दे डोंट नो द एंटायर प्रोसीजर। जैसे रेपो के अंदर मैंने आपको बताया प्रोसीजर अलग होता है, आपको सिर्फ जिस्ट पढ़ा दिया जाता है, यहां पर भी जिस्ट पढ़ा दिया गया आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रोसीजर, वो भी अगेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर आज मैंने नहीं बताया तो पूरी जिंदगी कोई और बताने वाला नहीं, क्योंकि सिलेबस में आएगा नहीं। हर बार जब आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडीआर, आप वो रटा रटाया सामान लिख दोगे, मगर मैं आपको बताता हूं ये प्रोसीजर होता कैसे है। प्रोसीजर में पहले तो समझो दिक्कत क्यों है, बिकॉज आपने सुना होगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो क्या ऐसी नेसेसिटी थी जिसकी वजह से एडीआर जीडीआर का कॉन्सेप्ट आया? नाउ लेट अस सपोज इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है इंफोसिस या टीसीएस, ठीक है, इंडिया में फेमस कंपनी है, इंडिया के अंदर कोई भी आंख बंद करके इस शेयर का शेयर लेता है, ठीक है, इंडिया के इन्वेस्टर तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको इंडियन इन्वेस्टर से पैसा आ रहा है, मगर इंफोसिस और टीसीएस जितने फेमस इंडिया में है उतने ही फेमस ओवर पीरियड टाइम यूएस में भी हो गए, क्योंकि इनका मेजर बिजनेस चंक ऑफ बिजनेस कहां चल रहा है, यूएस के अंदर। अब इंफोसिस कह रहा है, एक दिन सोच रहा है बैठ के, मेरे में इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता यूएस का इन्वेस्टर भी मेरे अंदर इन्वेस्ट करे? तो एक यूएस का इन्वेस्टर है जो चाहता है इंफोसिस में इन्वेस्ट करना, बट मुझे बताओ अगर उसको इंफोसिस में इन्वेस्ट करना है तो वो यूएस में बैठे बैठे इन्वेस्ट कर लेगा या पहले उसको इंडिया में आके इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट पॉलिसीज के हिसाब से अनलेस आपकी फिजिकल प्रेजेंस हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, तो वो वहां बैठे बैठे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं ले सकता। मगर हां एक ऑल्टरनेटिव रूट अलाउ कर रखा है सेबी ने, जहां पर आप स्टॉक मार्केट में इंटरफेयर किए बिना आप खरीद सकते हो। आप आगे जाके पढ़ोगे एक अलग तरह की मार्केट खोली गई है IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज सेंटर, या कुछ इस तरह इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये एक स्पेशल तरह का एरिया है, एक स्पेशल तरह की स्टॉक एक्सचेंज है जिसके अंदर NRIs इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग चीज है। उसको अगर भूल जाओ तो मैं अभी एक मिनट, ये भी अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले लाई गई है, आज की डेट में सिर्फ एक IFSC है गुजरात में अहमदाबाद के अंदर, बाकी देश में कोई IFSC नहीं है, उसको साइड में रखो। तो अगर यूएस के बंदे ने इंडिया में इन्वेस्ट करना है देयर इज नो मीडियम, अगर करना भी है तो वो इन्वेस्टमेंट लिक्विड नहीं रहेगी, क्या रहेगी, नॉन लिक्विड, आप कभी भी बेच नहीं सकते। और आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा है शेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज ही क्या होता है, क्यों लिक्विड होते हैं, कभी भी जाकर स्टॉक मार्केट में बेचे जा सकते हैं। अब अगर नॉन लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, यूएस का बंदा कभी भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा, और इंफोसिस को वो सारे फंड्स जो यूएस से आ सकते थे उसका दरवाजा हो गया बंद, क्योंकि इंफोसिस यूएस में जाकर लिस्टिंग नहीं करना चाहता, वहां जाके लिस्टिंग करेगा तो वहां की उसको ऑब्लिगेशंस पूरी करनी पड़ेंगी।
इन दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ बीच में लोग आ गए, इनको बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अगर मैं अभी बाद में जाके बताऊंगा, इंडिया के अंदर भी आज की डेट में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो यहां पर सीआरबीएल है, सीआरबीएल नहीं, एनएसडीएल, सीएसडीएल, ये सारी सीएस जो भी है सीएसडीएल, वे सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। वो इंडियन मार्केट वाली बात मैं जब स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज कराऊंगा तब बात करूंगा, अभी के लिए मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका एक तो इंडियन काउंटर पार्ट है और एक यूएस के अंदर काउंटर पार्ट है। हम इंफोसिस इसको कह रहे हैं, इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, तुम मेरे बिहाफ पर यूएस के अंदर सिक्योरिटीज इशू कर दो और इन सिक्योरिटीज का नाम हम रखेंगे एडीआर। अगर अमेरिका में है तो एडीआर होएगा, अगर किसी और कंट्री में तो क्या होगा, जीडीआर। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे बिहाफ पर अगर रिसीप्ट एक सिक्योरिटी इशू कर दूं, बदले में मेरे पास क्या है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे इंडियन काउंटर पार्ट पे क्या करूंगा, अपने शेयर्स को रखवा दूंगा। तो इंफोसिस ने अपने शेयर्स रखवा दिए किसके पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। उन शेयर्स के बेसिस पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने क्या इशू कर दिया, एडीआर या फिर जीडीआर। और ये एडीआर जीडीआर इंडिया में इशू नहीं किए, कहां पे किए, यूएसटी की स्टॉक एक्सचेंज में। अगर कोई भी पर्सन अब इंफोसिस में इन्वेस्ट करना चाहता है वो इंफोसिस के एडीआर जीडीआर खरीद सकता है यूएस के अंदर। और क्योंकि ये यूएस की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा तो वो जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या बन गई, लिक्विड इन्वेस्टमेंट बन गई। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के दो पार्ट्स हो गए, इसे बोलते हैं इंडियन कस्टोडियन या डोमेस्टिक कस्टोडियन। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक कस्टोडियन एंड दिस इज कॉल्ड ओवरसीज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो एक एडीआर को इशू करने में ना चार पार्टीज इन्वॉल्व होती है, पहले वो कंपनी, दूसरी वो इन्वेस्टर, दोनों ओर होते हैं इंडियन कस्टोडियन या डोमेस्टिक कस्टोडियन, जिसका पर्पस होता है कि वो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखता है। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम किसका होगा, डोमेस्टिक कस्टोडियन का होगा। इसके बेसिस पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लोगों को सिक्योरिटी इशू करेगा। यानी अगर मैं एडीआर की डेफिनेशन बनाऊं, एडीआर या जीडीआर इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी वेयर द अंडरलाइंग एसेट इस शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी। अंडरलाइंग असेट का मतलब क्या हुआ, एडीआर जीडीआर की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, कि इंफोसिस या जो टीसीएस के शेयर हैं उनकी वैल्यू क्या हो रही है। क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल सिक्योरिटी है जो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रही है, शेयर से। तो एडीआर जीडीआर एक बार आओ बुक में, पेज नंबर बंद कर दी बुक मैंने, पेज नंबर 105, American depository receipt also known as ADR are depository receipts which are equal to specific number of shares of the company that have been issued in a foreign country. Foreign country मतलब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया क्या बन गई, foreign country. American depository receipts are traded only in United States of America. Similar mechanism exists for other countries as well. इसको क्या बोलते हैं, GDR. IDR क्या होंगे, बिल्कुल उल्टा। अमेरिका की कोई कंपनी अगर इंडिया के इन्वेस्टर से पैसे लेकर जाना चाहती है तो वो अमेरिका के अंदर एक डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास अपने शेयर्स रखवाएगी, और कॉरस्पॉन्डिंगली इंडिया में एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इंडिया के इन्वेस्टर्स को आईडीआर इश्यू कर देगा। यानी आईडीआर आर यूज बाय फॉरिन कंपनीज टू रेज फंड फ्रॉम इंडिया, एडीआर एंड जीडीआर आर यूज बाय इंडियन कंपनीज टू रेज फंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। करक्स वही हो गया जो 11th क्लास में आपको पढ़ाया, वो मैकेनिज्म मैंने सारी आपको समझा दी। एक वर्ड जो और आपको समझने वाला है, बाकी सारे आप एक बार रीड कर लेना, आखिरी वर्ड जो मुझे आपको समझाना है वो है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है, अच्छा तो ब्रिज का काम क्या होता है पहले ये बताओ, ब्रिज का काम क्या है, इधर लैंड है, इधर लैंड है, बीच में नदी है या बीच में खाई है, नदी और खाई को कवर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। तो ब्रिज फाइनेंसिंग क्या करेगा, ध्यान से सुनो, मेरे पास, सुनो तो सही, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया, एक ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर के अंदर मुझे पैसे मिलने वाले हैं 50 करोड़, मगर उस ऑर्डर को करने में पैसे कितने, टाइम कितना लगेगा, 3 मंथ्स। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा पैसे बाद में आएंगे, मुझे 30 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 30 करोड़ का लोन हम आपको सेंक्शन कर देते हैं, ये हमारे अप्रूवल अथॉरिटी के अंदर है और आप 3 महीने में वापस कर देना। 3 महीने बाद मेरा 50 करोड़ रिलीज हुआ, जिसमें से 30 करोड़ का मैंने लोन पे कर दिया। अब जिस बंदे ने ऑर्डर लिया था ना, मुझे ऑर्डर दिया था, जिससे मैंने ऑर्डर कवर अप किया था, उसने मुझे 3 साल के लिए ऑर्डर दे दिया। अब ये 3 साल का ऑर्डर 50 करोड़ का नहीं है, 500 करोड़ का है, और अब मुझे लोन भी 30 करोड़ का नहीं चाहिए, कितने का चाहिए, 300 करोड़ का। तो मैंने बैंक को बोला
अब मुझे लोन 3 साल के लिए चाहिए और कितने का चाहिए, 300 करोड़ का चाहिए। बैंक मैनेजर ने बोला सर ये तो शॉर्ट टर्म लोन नहीं है तो लॉन्ग टर्म लोन हुआ। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दो और थोड़ा सा बढ़ा दो। समटाइम्स योर शॉर्ट टर्म लोन्स आफ्टर रीपेमेंट दे आर कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग टर्म लोन। योर लॉन्ग टर्म लोन के लिए बेसिस क्या बनता है, शॉर्ट टर्म लोन। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है सर, वो 30 करोड़ का अप्रूवल तो मेरे अप्रूवल अथॉरिटी के अंदर है, मेरी साइनिंग अथॉरिटी में 30 करोड़ का लोन तो अप्रूव कर सकता हूं, मगर 300 करोड़ का लोन अप्रूव करवाने के लिए ना हमारे इंटरनल कुछ यार्डस्टिक्स हैं जिनको चेक करने के लिए 2 महीने लग जाएंगे। मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुमसे 300 करोड़ का लोन ले रहा हूं, अगर 2 महीने तक मैंने अपने काम को रोका तो ये जो 500 करोड़ आने वाले हैं ये नहीं आएंगे। मुझे राइट अवे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मुझे काम करना शुरू करना है। तो इसके लिए कि आप किसी और बैंक के पास ना चले जाओ, बैंक कई बार क्या कहते हैं सर आप ऐसा करो इन 2 महीनों के लिए ना मुझसे आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा अभी 300 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ चाहिए मुझे। वो कह रहा है 50 करोड़ का ना एक छोटा सा लोन ले लो 2 महीने तक, जैसे ही आपका बड़ा लोन अप्रूव हो जाएगा इस लोन को हम उस लोन में मर्ज कर देंगे। आपको 300 करोड़ का लोन अप्रूव हुआ ना, हम कहेंगे 50 करोड़ आपके पास चले गए हैं, ये 250 करोड़ और रिलीज कर दिए, टर्म्स एंड कंडीशंस ये खत्म हो जाएंगे, नए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगे। यानी एक बड़े लोन को देने के लिए जो छोटा सा लोन दिया जाता है उसे क्या बोल जाता है, ब्रिज फाइनेंसिंग या गैप फाइनेंसिंग। इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वन लोन एंड द अदर लोन। एक लोन और दूसरे लोन के बीच में जो अप्रूवल प्रोसेस में दिक्कत आती है उसे देने के लिए एक नया लोन दे दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में जो भी टेक्निकल वर्ड्स थे मैंने सारे कवर अप कर लिए हैं, बाकी जो वर्ड्स रह गए मेरे हिसाब से वो बहुत इजी हैं। एक बार रीड करके आना, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार जल्दी से क्विकली उन वर्ड्स को रीड कर लूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स मैंने क्लास में कवर अप नहीं कराए। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज या मार्केट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है।